हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है विक्रम वेदा तो विक्रम वेदा फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इसके अलावा फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन फिल्मिंग बजट इन सभी इस के ऊपर डीप में बातचीत करेंगे साथ ही में इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कितना हो सकता है पहले दिन फिल्म कितना कमा सकती है वीकेंड का कलेक्शन कितना हो सकता है लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा इन सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे साथ में इस फिल्म की जो कहानी है उसके ऊपर चर्चा करने वाले ये एक रीमेक फिल्म है तमिल फिल्म की रीमेक बनाई गई है तो ओरिजिनल और रीमेक के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं इस फिल्म की कहानी में क्या चेंजेस किए गए होंगे उन सभी चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करने वाले उसका एक प्रोडिक्शन देने वाले साथ ही में इस फिल्म की स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट के बारे में डीप में चर्चा करेंगे ओरिजिनल और रीमेक के बारे में भी थोड़ा जानेंगे साथ ही में इस फिल्म की जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं विक्रम वेदा जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म का जो ओरिजिनल आइडिया है वो पुष्कर गायत्री का ही था क्योंकि जो तमिल वर्जन है जिसका ये रीमेक बना हुआ है वो भी पुष्कर गायत्री ने ही लिखा हुआ था और डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे डायलॉग थे वो के मणिकंदन के थे अदरवाइज विक्रम वेदा फिल्म को 2017 में तमिल लैंग्वेज में न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर के तौर पे ही रिलीज किया गया था जहां पे इस फिल्म के लीड रोल में थे आर माधवन विजय सेतुपति श्रद्धा श्रीनाथ और काथिर वारा लक्ष्मी शरद कुमार तो इतने चार पांच एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस फिल्म में लीड किरदार परफॉर्म किए हुए थे जहां पे इस फिल्म के सभी कैरेक्टर को काफ़ी सराहना मिली थी फिल्म के डायरेक्शन को सिनेमेटोग्राफी बीजीएम तो काफ़ी अव्वल दर्जे की है जिसको री भी किया हुआ है अभी रीमेक में तो ये सभी चीज़ें फिल्म की काफ़ी बेहतरीन थी सी एम सी एस का जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक था वो फिल्म को चार चांद लगा रहा था परफॉर्मेंसेस काफ़ी सॉलिड थी विजय सेतुपति की परफॉर्मेंसेस को काफ़ी सराहना मिली हुई थी उसके बाद से उनको हिंदी ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पहचान मिली हुई थी क्योंकि जो तमिल वर्जन है वो ऑलरेडी हिंदी डब्ड वर्जन में काफ़ी समय पहले से ही अवेलेबल है जहाँ पर पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म के साथ एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी कल्ट क्लासिक न्यू एक्शन थ्रिलर फिल्म डिलीवर की हुई थी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते ग्यारह करोड़ के बजट बनी फिल्म ने करीबन बॉक्स ऑफिस पे तमिल लैंग्वेज में साठ से सत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदौलत फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी उसके बाद फिल्म का जो तेलुगु तम थोड़ी तमिल वर्जन है उसको जी फाइव के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन को यूट्यूब पे गोल्ड माइन्स के चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था और डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को भी अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से विक्रम वेदा फिल्म को आप सभी अलग अलग वर्जन के तमिल वर्जन को इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात करें इस दो की विक्रम वेदा के बारे में तो इस फिल्म को भी लिखा हुआ है पुष्कर गायत्री ने डिरेक्ट किया पुष्कर गायत्री ने स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग उनकी थी डायलॉग्स जरूर दूसरों ने लिखे हुए अदरवाइज बाकी सभी चीज़ें उनकी देखने को मिलेगी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस शशिकांत चक्रवर्ती रामचंद्र विवेक अग्रवाल भूषण कुमार तो ये टोटल पाँच प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को वाइनो स्टूडियो फ्रा, फ्रा, फ्राइडे फिल्म वर्क्स रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज फिल्म्स और जियो स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बजट करीबन पौने दो सौ करोड़ है तो जो ओरिजिनल फिल्म बनी थी वो ग्यारह करोड़ की थी उसके सामने इस फिल्म को पौने दो करोड़ में सेम कहानी को बनाया हुआ है अब देखने वाली बात यह है कि पौने दो करोड़ उन्होंने कहाँ लगाए हुए वो रिलीज के बाद पता चलेगा लीड कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे सैफ अली खान राधिका आप्टे रोहित सराफ योगिता बिहानी सारी भाषमी और सत्यदीप मिश्रा भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे ऋतिक रोशन ने वेदा का रोल प्ले किया हुआ है सैफ अली खान ने विक्रम का रोल प्ले किया हुआ episode, Aapte, है राधिका आप्टे आपको विक्रम की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी रोहित सराफ ने वेदा के भाई का रोल प्ले किया हुआ है योगिता बिहानी ने चंदा का रोल प्ले किया हुआ है सारी भाषमी ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है तो ये सभी किरदार है जो इम्पोर्टेंट किरदार है फिल्म के ये एक्टर्स ने प्ले किए हुए जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एक गैंगस्टर और एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों के बीच के जो कुछ क्वेश्चन आंसर है एक तरह से विक्रम बेताल में किस तरह से आपने देखा था कि बेताल विक्रम को एक पजल दे देता है एक क्वेश्चन दे देता है बाद में उसको वो सोल्व करता है बस कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट लेके इस फिल्म की कहानी को मॉडर्न डे में सेट किया हुआ है जहाँ पे विक्रम एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है इसके अलावा वेदा है वो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है तो अब इन दोनों को किस तरह से एक फ्रेम में दिखाया है उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के सामने क्यों आते उसके पीछे क्या रीज़न है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है फिल्म का सस्पेंस है वो जिस तरह से डेवलप किया हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने वाली है क्योंकि मैंने ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है तो ये फिल्म का बेस पॉइंट तो सेम ही रहने वाला है थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे क्लाइमेक्स में या दूसरी जगह तो वो बात अलग है अदरवाइज मैंने कहा ठीक उसी तरह फिल्म की कहानी चलेगी इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी पी एस विनोद ने किए हुए एडिटिंग रिचर्ड केविन ए ने किए हुए म्यूजिक में बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो सीएमसीएस का है जो ओरिजिनल फिल्म में बीजेएम दिया हुआ है वही बीजेम इसमें यूज़ किया हुआ है तो से सी को ही क्रेडिट दी गई है वहीं पे जो सॉन्ग्स है वो विशाल शेखर के सुनने को मिलेंगे अभी तक सॉन्ग्स प्रॉपर वे में आउट नहीं किए गए लेकिन आने वाले समय में ये सॉन्ग्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे जिसके राइट्स टी सीरीज के पास है म्यूज़िक के तो उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे के राइट्स रखे हुए वैसे तो वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी है फिल्म के और उन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अच्छी खासे प्राइस में खरीदे हुए हैं तो आने वाले समय में आपको सभी गाने और टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है पीवीआर पिक्चर्स पेन मरुदकर होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट तो काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फिल्म को कितनी बड़ी स्क्रीन मिलने वाली है कितनी सारी स्क्रीन मिलेगी और ये एक अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग जरूर लेगी शायद हो सकता है कि इस फिल्म की ओपनिंग जो ऋतिक रोशन की वॉर फिल्म आई थी उससे भी ज्यादा हो सकती है भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन ऋतिक रोशन का फैन बेस जिन्होंने विक्रम वेदा ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है उनके लिए ये एक काफ़ी फ्रेश और अच्छी खासी स्टोरी के साथ आने वाली बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है तो उनको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी अब बात ये है कि मेकरस तो वही है पुष्कर गाए थे जिन्होंने ओरिजिनल बनाया हुआ था अगर उन्होंने फिल्म में कुछ चेंजेस किए वो सही जाते तो पता लगे अगर वो थोड़े अगेंस्ट गए तो फ्लॉप होने के चांसेस है फिल्म के अदरवाइज अगर सेम टू सेम बनाया हुआ है अगर लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है रीमेक ओरिजिनल के बीच में नहीं पढ़ते और कंटेंट देखने जाते भले ऋतिक रोशन शेफ अली खान के फैन हो या फिर न्यूट्रल ऑडियंस हो जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो उनको ये फिल्म जरूर पसंद आने वाली क्योंकि मैंने टीजर ट्रेलर देखा है वहाँ तक अंदाजा लग रहा है कि जो सेट डिज़ाइन वहाँ पे किए गए थे सेम सेट डिज़ाइन यहीं पे यूज़ किए हुए वैसे ही क्रिएट किए हुए है लोकेशन भी लगभग लगभग सेम है सिर्फ जो नेटिविटी है तमिल नेटिविटी के हिसाब से कहानी को डेवलप किया हुआ था इधर ये इन सभी चीज़ों को आ, यूपी बिहार इस एरिया के साइड दिखाया हुआ है तो जिस वजह से थोड़ी नेटिविटी में चेंज होगा तो थोड़ी स्लेंग में चेंज होगा तो वो सभी चीज़ें माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे बाकी जो एक्चुअल स्टोरी है वो सेम है तो जिसकी बदौलत ये फिल्म आपको अगर नहीं देखी हुई ओरिजिनल वजन तो जरूर कनेक्ट करने वाली है अब डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म को मार्च 2018 में पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया हुआ था कि वो इस रिमेक को डायरेक्ट करने वाले थे ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके थे जहाँ पे कुछ करार के थ्रू सोल्ड आउट किए गए थे जहाँ पे वाइनो स्टूडियो जो ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस है तमिल वर्जन का उन्होंने कहा था कि वो इस फिल्म में भी पे शेयर लगाएंगे और इक्वल शेयर करेंगे वहीं दूसरे को प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे फ्राइडे फिल्म वर्क टी सीरीज़ फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट वो सभी लोग मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे जहाँ पे फिल्म का बजट पौने दो करोड़ तक पहुँच गया था नीरज पांडे इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर है वहीं पे पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया कि इस फिल्म की रीमेक है वो और भी ग्रीटी टोन के साथ हम आपको दिखाने वाले जो ओरिजिनल में आपको जितना भी ग्रीटी मैनर देखने को मिला है उससे कहीं ज़्यादा हम इस फिल्म में आपको ऐड करके दिखाएंगे तो थोड़े चेंजेस आप ज़रूर एक्सपेक्ट कीजिएगा बाकी कोर पॉइंट है वो सेम रहेगा ओरिजिनल मटीरियल है जो लिखा हुआ है उसमें ज़्यादातर हम चेंजेस करने नहीं वाले तो वही सब चीज़ें आपको जरूर देखने को मिलेगी लेकिन जो ऐसे पॉइंट है जिसको हम थोड़ा बेटर वे में कर सकते हैं तो वो हम ज़रूर चेंज करके आपको दिखाने वाले तो आपने जो बेताल पच्ची ही देखी होगी या विक्रम बेताल की जो कहानी देखी होगी उसी फोकटेल को थोड़ा इंटरेस्टिंग मैनर में मॉडर्न टाइम के साथ उन्होंने इस फिल्म की कहानी में दिखाया हुआ है जो अभी तक हिंदी सिनेमा में आपको देखने को नहीं मिला है वैसे डब्ड वर्जन आपने अगर देखा है विक्रम बेता का तो बात अलग है अदरवाइज हिंदी सिनेमा में इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा था कि शाहरुख खान को इस फिल्म में वेदा का रोल अप्रोच किया गया था लेकिन बाद में कंफर्म किया गया है कि सैफ अली खान और आमिर खान इस किरदार को प्ले करेंगे जहाँ पे सैफ अली खान विक्रम का रोल प्ले कर करे जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है वहीं पे वेदा एक गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाले गैंगस्टर वेदा का रोल है वो आमिर खान प्ले करेंगे लेकिन सैफ अली खान का जो विक्रम के लिए जो तो उनको सरताज सिंकर का जो किरदार प्ले किया हुआ था उन्होंने सिक्रेट गेम्स में तो वहीं से उनको चूज़ किया गया था अदरवाइज पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म में चाह था कि आर माधवनी वो रोल अपना रोल रिप्लेस करे लेकिन उनकी रोकटरी द नंबी इफेक्ट वाली फिल्म है उसके साथ उस फिल्म का कनेक्शन हो रहा था तो उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसकी बदौलत दोनों चीजें मैच हो रही थी डेट नहीं सेम डेट सेम हो रही थी जिसकी वजह से आर माधवन ने वो फिल्म करने से मना कर दी उसके बाद सैफ अली खान को रोल दिया गया वहीं पे आमिर खान को पहले लेने वाले थे दिसंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई तब पता चला कि ऋतिक रोशन ने उसका मेन रीज़न ऐसा बताया जा रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट के लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस डायरेक्टर और एक्टर के बीच में हुए जिसकी वजह से ऋतिक रोशन ने इस रोल को निभाने के लिए हाँ कर दिया जहाँ पे बाद में सेफ अली खान और ऋतिक रोशन की पेर कंफर्म की गई ना तुम जानो ना हम करके 2002 की फिल्म आई थी उसके बाद ये सेकंड टाइम वो कोलोबरेशन करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे वेदा कानपुर का एक किरदार दिखाया हुआ है तो जहाँ पे वो अवधि एक्शेंट स्पीक कर स्पीक करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में जुलाई राधिका जुलाई में आधिका आप्टे को साइन कर लिया गया जहाँ पे वो विक्रम की लोअर की वाइफ का और विक्रम के विक्रम की लॉयर की वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे लॉयर वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे रोहित सर आपको इस फिल्म में वेदा के भाई के लिए साइन किया गया था उसी मंथ में उसके बाद में नवंबर 2021 में सारी बात ने कंफर्म किया कि वो बबलू का रोल प्ले करेंगे मार्च 2022 में योगिता बिहानी ने चूज़ किया कि वो एक चंदा के रोल में उनको चूज किया गया था तो इस तरह से कास्टिंग की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की फरवरी दो में स्टार्ट की गई थी जहाँ पर पहले बताया गया था कि इस फिल्म में आमिर खान देखने को मिलेंगे कास्ट में उसके बाद में तो ऋतिक रोशन ने उनको जून 2021 में रिप्लेस कर लिया बाद में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी 15 अक्टूबर से उसी साल बाद में फिल्म की कहानी को जो भेल कानपुर का और का उस एरिया का दिखाया हुआ है लेकिन वो पूरे सेट को यूएई में यानी कि अबू धाबी में क्रिएट किया हुआ था और वहीं से फिल्म की ओरिजिनल शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे टाइगर जिंदा का जो सेट वहाँ पे लगाया हुआ था उसी सेट को थोड़ा रिकन्स्ट्रक करके वहाँ पे लखनऊ और कानपुर का एक सेट क्रिएट करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी थोड़ा बहुत जो खर्चा आपको देखने को मिल रहा है पौने दो करोड़ का बजट वो उसी चीज़ की वजह से इस फिल्म का स्केल है वो काफ़ी बड़े लेवल पर क्रिएट किया हुआ है जो ओरिजिनल वर्जन है उसके मुकाबले तो इस वजह से थोड़ा खर्चा और बढ़ा हुआ था अबू धाबी में उस शेड्यूल को करीबन सत्ताईस से तीस दिन शूट किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को लखनऊ में भी थोड़े दिन ले जाया गया था वहाँ पे भी कुछ सीन्स को कुछ पोर्स को शूट किया हुआ था सैफ अली खान ने अपने पोर्संस को उसी मन जब दिसंबर के महीने में 2021 में फिल्म की आखिरी शूटिंग चल रही थी लखनऊ में वहाँ पे उनका पोर्सन उन्होंने कंप्लीट किया हुआ था राधिका आप्टे को करीबन दस दिन का शेड्यूल था उनके पास तो उन्होंने छब्बीस अप्रैल दो में अपना शेड्यूल कम्पलीट किया हुआ था पूरी फिल्म को करीबन दस जून दो हज़ार बाईस को रेपअप किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी ने क्रिएट किया हुआ है ओरिजिनल में तो सेम सी ने सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर दोनों क्रिएट किया हुआ था और दोनों अव्वल दर्जे के निकले हुए थे जो टॉप टोपनोज का बी था वो फिल्म को और बेहतर बना रहा था जिस वजह से मेकर्स ने फैसला लिया कि इस फिल्म का बी चेंज नहीं करेंगे जरूर गाने हिंदी नेटिविटी के हिसाब से चेंज किए जाएंगे लेकिन बी सेम रहने वाला है जिस वजह से टीजर ट्रेलर में जो आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनने को मिल रहा है वो ओरिजिनल वर्जन से सेम टू सेम रखा हुआ है इसके अलावा

हिंदी फिल्मों के लिए उसके बाद में फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया उसको काफी ज्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और एक रीमेक फिल्म होने के बावजूद फिल्म का जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आया तब मेरा उसको अंदाजा लग गया कि ये फिल्म कितनी और बड़ी होने वाली है अब ये फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है जहाँ पे विक्रम वेधा को तीस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ करने का फैसला लिया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब देखने वाली बात यह है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जो तमिल का रीमेक है वो पता है तमिल में चल गई थी डब्ड वर्जन भी अच्छा खासा चला था लेकिन जो थिएटर ऑडियंस है वो इस फिल्म को कितना एक्सेप्ट करती है पुष्कर गायत्री ने क्या क्या चेंजेस किए हुए वो चेंजेस किस वे में जाते हैं वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फिल्म कितना लंबा रन लेगी उसके अलावा ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की जो एक्टिंग वो आरमाधवन और साथ ही में विजय सेतुपति तो जो ओरिजिनल वर्जन है उसके मुकाबले कहां तक जाके पहुंचती है या अपना अलग अप्रोच रहता है वो अप्रोच कैसा होता है वो सभी चीजें अलग अलग फैक्टर फिल्म के लिए इफेक्ट कर सकते हैं बेटर वे में या तो नेगेटिव वे में अब ये सभी चीज़ें पता चलेगी फिल्म रिलीज होगी तब अब फिल्म 30 सितंबर 2022 को फिक्स की गई है तो अब देखने वाली बात यह कि उस दिन तो वैसे ही बड़ी ओपनिंग मिलेगी ऋतिक रोशन और सैफ अली खान जैसे बड़े एक्टर अगर एक फिल्म में होंगे तो फिल्म आसानी से करीबन पचास करोड़ के आसपास की ओपनिंग तो लेने ही वाली है तो अब देखने वाली बात ये है कि उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कितना बड़ा और बढ़िया मिलता है उसके बाद में वो सभी चीज़ें कितने बड़े लेवल पर कन्वर्ट होती है तभी पता चलेगा कि फिल्म किस लेवल पे कितनी बड़ी हिट होगी और अगर ये फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये लंबी रेस का घोड़ा निकलेगी फिल्म लंबी रन लेगी लंबा रन लेने के बाद ये फिल्म आसानी से पौने दो सौ करोड़ के बजट में बनी हुई है उसके सामने चार सौ पाँच सौ करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि जिसने जितने भी मैंने पॉइंट बताए उस पॉइंट में ये फिल्म कितनी खरी उतरती है अब हम बात करें इस फिल्म के ओ -टी -टी और सेटेलाइट के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ -टी -टी और सेटेलाइट राइट्स से, है वो वाइकॉम एटीन स्टूडियो ने ही खरीदे हुए जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो वोड सिलेक के पास है वहीं पर इस फिल्म के जो सेटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स के पास है जो दोनों प्लेटफॉर्म है वो ऑन करता है वाइकोमेटिन स्टूडियो तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के दो ढाई महीने के बाद वुड सिलेक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर या ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन विक्रम वेदा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो थिएट्रिकल रिलीज़ के लंबे समय के बाद टेलीविज़न चैनल कलर सिनेप्लेक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में विक्रम वेदा के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा इसके अलावा ये फिल्म तमिल फिल्म का रीमेक है जहाँ पर तमिल में भी इस फिल्म को विक्रम वेदा ही नाम दिया गया था तो नाम सेम रखा हुआ है तो तमिल वर्जन है जो विक्रम वेदा उसका हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोल वालों ने

वहीं पे जो टेलीविजन वर्जन है वो कलर सीनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे वो थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद करीबन पांच सात महीनों के बाद देखने को मिलने वाला है जब वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से हिंदी वर्जन इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे जो तमिल वर्जन है उसका जो डब्ड वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में हिंदी डब्ड वर्जन में डबिंग अच्छी है उसे भी आप इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का ओरिजिनल और रिमेक दोनों वर्जन आप कहाँ पे कैसे देख सकते हो तो उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी विक्रम वेदा जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म का जो ओरिजिनल आइडिया है वो पुष्कर गायत्री का ही था क्योंकि जो तमिल वर्जन है जिसका ये रीमेक बना हुआ है वो भी पुष्कर गायत्री ने ही लिखा हुआ था और डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे डायलॉग थे वो के मणिकंदन के थे अदरवाइज विक्रम वेदा फिल्म को 2017 में तमिल लैंग्वेज में न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर के तौर पर ही रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में थे माधवन विजय सेतुपति श्रद्धा श्रीनाथ और काथिर वारा लक्ष्मी शरद कुमार तो इतने चार पांच एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस फिल्म में लीड किरदार परफॉर्म किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के सभी कैरेक्टर को काफ़ी सराहना मिली थी फिल्म के डायरेक्शन को सिनेमेटोग्राफी बीजीएम तो काफ़ी अव्वल दर्जे की है जिसको री भी किया हुआ है अभी रीमेक में तो ये सभी चीज़ें फिल्म की काफ़ी बेहतरीन थी सी एम सी एस का जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक था वो फिल्म को चार चांद लगा रहा था परफॉर्मेंसेस काफ़ी सोलिड थी विजय सेतुपति की परफॉर्मेंसेस को काफ़ी सराहना मिली हुई थी उसके बाद से उनको हिंदी ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पहचान मिली हुई थी क्योंकि जो तमिल वर्जन है वो ऑलरेडी हिंदी डब्ड वर्जन में काफ़ी समय पहले से ही अवेलेबल है जहाँ पर पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म के साथ एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी कल्ट क्लासिक न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म डिलीवर की हुई थी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते ग्यारह करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने करीबन बॉक्स ऑफिस पे तमिल लैंग्वेज में साठ से सत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदौलत फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी उसके बाद फिल्म का जो तेलगू सॉरी तमिल वर्जन है उसको जी फाइव के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन को यूट्यूब पे गोल्ड माइन्स के चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था और डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को भी अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से विक्रम वेदा फिल्म को आप सभी अलग अलग वर्जन के तमिल वर्जन को इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात करें इस दो हजार बाईस की विक्रम वेदा के बारे में तो इस फिल्म को भी लिखा हुआ है पुष्कर गायत्री ने डिरेक्ट किया पुष्कर गायत्री ने स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग उनकी थी डायलॉग्स जरूर दूसरों ने लिखे हुए अदरवाइज बाकी सभी चीजें उनकी देखने को मिलेगी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस शशिकांत चक्रवर्ती रामचंद्र विवेक अग्रवाल पुषण कुमार तो ये टोटल पांच प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को वाइनो स्टूडियो फ्रा, फ्रा, फ्राइडे फिल्म वर्क्स रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज़ फिल्म और जियो स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बजट करीबन पौने दो सौ करोड़ है तो जो ओरिजिनल फिल्म बनी थी वो ग्यारह करोड़ की थी उसके सामने इस फिल्म को पौने दो सौ करोड़ में सेम कहानी को बनाया हुआ है अब देखने वाली बात यह है कि पौने दो सौ करोड़ उन्होंने कहाँ कहाँ लगाए हुए वो रिलीज के बाद पता चलेगा लीड कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे सैफ अली खान राधिका आप्टे रोहित सराफ योगिता बिहानी सारी भाषमी और सत्यदीप मिश्रा भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर ऋतिक रोशन ने वेदा का रोल प्ले किया हुआ है सैफ अली खान ने विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है राधिका आप्टे आपको विक्रम के वाइफ के रोल में दिखाई hmm. देंगी रोहित सराफ ने वेदा के भाई का रोल प्ले किया हुआ है योगिता बिहानी ने चंदा hmm. का रोल प्ले किया हुआ है सारी भाषमी ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है तो ये सभी किरदार है जो इंपॉर्टेंट किरदार है फिल्म के ये एक्टर्स ने प्ले किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एक गैंगस्टर और एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों के बीच के जो कुछ क्वेश्चन आंसर है एक तरह से विक्रम बेताल में किस तरह से आपने देखा था कि बेताल विक्रम को एक पजल दे देता दे है एक क्वेश्चन दे देता दे है बाद में उसको वो सोल्व करता है बस कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट लेके इस फिल्म की कहानी को मॉडर्न डे में सेट किया हुआ है जहाँ पे विक्रम एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है इसके अलावा वेदा है वो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है तो अब इन दोनों को किस तरह से एक फ्रेम में दिखाया है उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के सामने क्यों आते उसके पीछे क्या रीज़न है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है फिल्म का सस्पेंस है वो जिस तरह से डेवलप किया हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने वाली है क्योंकि मैंने ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है तो ये फिल्म का बेस पॉइंट तो सेम ही रहने वाला है थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे क्लाइमेक्स में या दूसरी जगह तो वो बात अलग है अदरवाइज मैंने कहा ठीक उसी तरह फिल्म की कहानी चलेगी इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी पी एस विनोद ने किए हुए एडिटिंग रिचर्ड केविन ए ने किए हुए म्यूजिक में बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी एस का है जो ओरिजिनल फिल्म में बीजेएम दिया हुआ है वही बीजेम इसमें यूज़ किया हुआ है तो सेम सी एस को ही क्रेडिट दी गई है वहीं पे जो सॉन्ग्स है वो विशाल शेखर के सुनने को मिलेंगे अभी तक सॉन्ग्स प्रॉपर वे में आउट नहीं किए गए लेकिन आने वाले समय में ये सॉन्ग्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जिसके राइट्स टी सीरीज के पास है म्यूज़िक के तो उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे के राइट्स रखे हुए वैसे तो वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी है फिल्म के और उन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अच्छी खासे प्राइस में खरीदे हुए तो आने वाले समय में आपको सभी गाने और टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है पीवीआर पिक्चर्स पेन मरुदकर होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट तो काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फिल्म को कितनी बड़ी स्क्रीन मिलने वाली है कितनी सारी स्क्रीनस मिलेगी और ये एक अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ज़रूर लेगी शायद हो सकता है कि इस फिल्म की ओपनिंग जो ऋतिक रोशन की वॉर फिल्म आई थी उससे भी ज़्यादा हो सकती है भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन ऋतिक रोशन का फैन बेस जिन्होंने विक्रम वेदा ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है उनके लिए ये एक काफ़ी फ्रेश और अच्छी खासी स्टोरी के साथ आने वाली बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है तो उनको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी अब बात ये है कि मेकरस तो वही पुस्कर गाए थे जिन्होंने ओरिजिनल बनाया हुआ था अगर उन्होंने फिल्म में कुछ चेंजेस किए वो सही जाते तो पता लगे अगर वो थोड़े अगेंस्ट गए तो फ्लॉप होने के चांसेस है फिल्म के अदरवाइज अगर सेम टू सेम बनाया हुआ है अगर लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है रीमेक ओरिजिनल के बीच में नहीं पढ़ते और कंटेंट देखने जाते भले ऋतिक रोशन से फली खान के फैन हो या फिर न्यूट्रल ऑडियंस हो जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो उनको ये फिल्म जरूर पसंद आने वाली क्योंकि मैंने टीजर ट्रेलर देखा है वहाँ तक अंदाजा लग रहा है कि जो सेट डिज़ाइन वहाँ पे किए गए थे सेम सेट डिज़ाइन यहीं पे यूज़ किए हुए हैं वैसे ही क्रिएट किए हुए हैं लोकेशन भी लगभग लगभग सेम है सिर्फ जो नेटिविटी है तमिल नेटिविटी के हिसाब से कहानी को डेवलप किया हुआ था इधर ये इन सभी चीज़ों को यूपी बिहार इस एरिया के साइड दिखाया हुआ है तो जिस वजह से थोड़ी नेटिविटी में चेंज होगा तो थोड़ी स्लेंग में चेंज होगा तो वो सभी चीज़ें माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे बाकी जो एक्चुअल स्टोरी है वो सेम है तो जिसकी बदौलत ये फिल्म आपको अगर नहीं देखी हुई ओरिजिनल तो जरूर कनेक्ट करने वाली है अब डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म को मार्च 2018 में पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया हुआ था कि वो इस रिमिक को डायरेक्ट करने वाले थे राइट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके थे जहां पे कुछ करार के थ्रू सोल्ड आउट किए गए थे जहाँ पे वाइनो स्टूडियो जो ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस है तमिल वर्जन का उन्होंने कहा था कि वो इस फिल्म में भी पैसे लगाएंगे और इक्वल शेयर करेंगे वहीं दूसरे को प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे फ्राइडे फिल्म वर्क टी सीरीज फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट वो सभी लोग मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे जहाँ पे फिल्म का बजट पौने दो सौ करोड़ तक पहुँच गया था नीरज पांडे इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर है वहीं पे पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया कि इस फिल्म की रीमेक है वो और भी ग्रीटी टोन के साथ हम आपको दिखाने वाले जो ओरिजिनल में आपको जितना भी ग्रीटी मैनर देखने को मिला है उससे कहीं ज़्यादा हम इस फिल्म में आपको ऐड करके दिखाएंगे तो थोड़े चेंजेस आप ज़रूर एक्सपेक्ट कीजिएगा बाकी कोर पॉइंट है वो सेम रहेगा ओरिजिनल मटीरियल है जो लिखा हुआ है उसमें ज़्यादातर हम चेंजेस करने नहीं वाले तो वही सब चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी लेकिन जो ऐसे पॉइंट है जिसको हम थोड़ा बेटर वे में कर सकते तो वो हम जरूर चेंज करके आपको दिखाने वाले तो आपने जो बेताल पच्ची सी देखी होगी या विक्रम बेताल की जो कहानी देखी होगी उसी फोकटेल को थोड़ा इंटरेस्टिंग मैनर में मॉडर्न टाइम के साथ उन्होंने इस फिल्म की कहानी में दिखाया हुआ है जो अभी तक हिंदी सिनेमा में आपको देखने को नहीं मिला है वैसे डब्ड वर्जन आपने अगर देखा है विक्रम वेदा का तो बात अलग है अदरवाइज हिंदी सिनेमा मिस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा था कि शाहरुख खान को इस फिल्म में वेदा का रोल अप्रोच किया गया था लेकिन बाद में कंफर्म किया गया है कि सैफ अली खान और आमिर खान इस किरदार को प्ले करेंगे जहाँ पे सैफ अली खान विक्रम का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है वहीं पे वेदा एक गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाले गैंगस्टर वेदा का रोल है वो आमिर खान प्ले करेंगे लेकिन सैफ अली खान का जो विक्रम के लिए जो तो उनको सरताज सिंहकर का जो किरदार प्ले किया हुआ था उन्होंने सेक्रेट गेम्स में तो वहीं से उनको चूज़ किया गया था अदरवाइज पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म में चाह था कि आर माधवनी वो रोल अपना रोल रिप्राइज करे लेकिन उनकी रोक्रेटरी द नंबी इफेक्ट वाली फिल्म है उसके साथ उस फिल्म का कनेक्शन हो रहा था तो उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसकी बदौलत दोनों चीजें मैच हो रही थी डेट नहीं सेम डेट सेम हो रही थी जिसकी वजह से आर मधवर ने वो फिल्म करने से मना कर दी उसके बाद सैफ अली खान को रोल दिया गया वहीं पे आमिर खान को पहले लेने वाले थे दिसंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई तब पता चला कि ऋतिक रोशन ने उसका मेन रीज़न ऐसा बताया जा रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट के लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस डायरेक्टर और एक्टर के बीच में हुए जिसकी वजह से ऋतिक रोशन ने इस रोल को निभाने के लिए हाँ कर दिया जहाँ पे बाद में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की पेर कंफर्म की गई ना तुम जानो ना हम करके 2002 की फिल्म आई थी उसके बाद ये सेकंड टाइम वो कोलोबरेशन करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे वेदा कानपुर का एक किरदार दिखाया हुआ है तो जहाँ पे वो अवधि एक्शन स्पीक कर स्पीक करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में जुलाई राधिका जुलाई में आपटे को साइन कर लिया गया जहाँ पे वो विक्रम की लोअर की वाइब कर विक्रम के विक्रम की लॉयर की वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे लॉयर वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे रोहित सर आपको इस फिल्म में वेदा के भाई के लिए साइन किया गया था उसी मंथ में उसके बाद में नवंबर 2021 में सारी बात ने कंफर्म किया कि वो बबलू का रोल प्ले करेंगे मार्च 2022 में योगिता बिहानी ने चूज किया कि वो एक चंदा के रोल में उनको चूज किया गया था तो इस तरह से कास्टिंग की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की फरवरी दो में स्टार्ट की गई थी जहाँ पर पहले बताया गया था कि इस फिल्म में आमिर खान देखने को मिलेंगे कास्ट में, उसके बाद में तो ऋतिक रोशन ने उनको जून दो में रिप्लेस कर लिया बाद में फिल्म की की शूटिंग स्टार्ट गई थी पंद्रह अक्टूबर से उसी साल बाद में फिल्म की कहानी को जो भले का का कानपुर और उस एरिया का दिखाया हुआ हुआ है लेकिन वो पूरे सेट को में में यानी कि क्रिएट किया हुआ था और वहीं से फिल्म की ओरिजिनल शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे टाइगर जिंदा का जो सेट वहां पे लगाया हुआ था उसी सेट को थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करके वहां पे लखनऊ और कानपुर का एक सेट क्रिएट करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी थोड़ा बहुत जो खर्चा आपको देखने

आप्टे को करीबन दस दिन का शेड्यूल था उनके पास तो उन्होंने छब्बीस अप्रैल दो में अपना शेड्यूल कंप्लीट किया हुआ था पूरी फिल्म को करीबन दस जून दो को रेपअप किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी ने क्रिएट किया हुआ ओरिजिनल में तो सेम सी ने सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर दोनों क्रिएट किया हुआ था और दोनों अव्वल दर्जे के निकले हुए थे जो टॉप नोच का बी था वो फिल्म को और बेहतर बना रहा था जिस वजह से मेकर्स ने फैसला लिया कि इस फिल्म का बी चेंज नहीं करेंगे जरूर गाने हिंदी नेटिविटी के हिसाब से चेंज किए जाएंगे लेकिन बी सेम रहने वाला है जिस वजह से टीजर ट्रेलर में जो आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनने को मिल रहा है वो ओरिजिनल वर्जन से सेम टू सेम रखा हुआ है इसके अलावा

हिंदी फिल्मों के लिए उसके बाद में फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया उसको काफ़ी ज्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और एक रीमेक फिल्म होने के बावजूद फिल्म का जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आया तब मेरा को अंदाजा लग गया कि ये फिल्म कितनी और बड़ी होने वाली है अब ये फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है जहाँ पे विक्रम वेधा को 30 सितंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला लिया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब देखने वाली बात ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जो तमिल का रीमेक है वो पता है तमिल में चल गई थी डब्ड वर्जन भी अच्छा खासा चला था लेकिन जो थिएटर ऑडियंस है वो इस फिल्म को कितना एक्सेप्ट करती है पुष्कर गायत्री ने क्या क्या चेंजेस किए हुए वो चेंजेस किस वे में जाते हैं वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फ़िल्म कितना लंबा रन लेगी उसके अलावा ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की जो एक्टिंग है वो आर माधवन और साथ ही में विजय सेतुपति तो जो ओरिजिनल वर्जन है उसके मुकाबले कहाँ तक जाके पहुँचती है या अपना अलग अप्रोच रहता है वो अप्रोच कैसा होता है वो सभी चीज़ें अलग अलग फैक्टर फिल्म के लिए इफेक्ट कर सकते हैं बेटर वे में या तो नेगेटिव वे में अब ये सभी चीज़ें पता चलेगी फिल्म रिलीज होगी तब अब फिल्म 30 सितंबर 2022 को फिक्स की गई है तो अब देखने वाली बात यह कि उस दिन तो वैसे ही बड़ी ओपनिंग मिलेगी ऋतिक रोशन और सैफ अली खान जैसे बड़े एक्टर अगर एक फिल्म में होंगे तो फिल्म आसानी से करीबन पचास करोड़ के आसपास की ओपनिंग तो लेने ही वाली है तो अब देखने वाली बात ये कि उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कितना बड़ा और बढ़िया मिलता है उसके बाद में वो सभी चीज़ें कितने बड़े लेवल पर कन्वर्ट होती है तभी पता चलेगा कि फिल्म किस लेवल पर कितनी बड़ी हिट होगी और अगर ये फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये लंबी का घोड़ा निकलेगी फिल्म लंबी रन लेगी लंबा रन लेने के बाद यह फिल्म आसानी से पौने दो सौ करोड़ के बजट में बनी हुई है उसके सामने चार सौ पांच सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि जिसने जितने भी मैंने पॉइंट बताए उस पॉइंट में फिल्म कितनी खरी उतरती है अब हम बात करें इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ और सेटेलाइट राइट्स से, है वो वाइकॉम एटीन स्टूडियो ने ही खरीदे हुए जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो वुड सिलेक्ट के पास है वहीं पर इस फिल्म के जो सेटेलाइट राइट्स से, है वो कलर सिनेप्लेक्स के पास है जो दोनों प्लेटफॉर्म है वो ऑन करता है वाइकॉम एटीन स्टूडियो तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के दो ढाई महीने के बाद वुड सिलेक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर या ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन विक्रम वेदा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो थिएट्रिकल रिलीज़ के लंबे समय के बाद टेलीविज़न चैनल कलर सिनेप्लेक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में विक्रम वेदा के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा इसके अलावा ये फिल्म तमिल फ़िल्म का रीमेक है जहाँ पे तमिल में भी इस फिल्म को विक्रम वेदा ही नाम दिया गया था तो नाम सेम रखा हुआ है तो तमिल वर्जन है जो विक्रम वेदा उसका हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोल वालों ने डब करवाया हुआ था तो वो वर्ज़न आपको गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा जहाँ पे उस वर्ज़न को काफ़ी अच्छी खासी डबिंग की गई है और अच्छे खासे व्यूज भी मिले हुए तो वहाँ से आप वो वर्ज़न भी यूज़ कर सक, सक, सकते हो उस वर्ज़न को भी देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि विक्रम वेदा फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको ओ टी वुड सिलेक्ट के ऊपर देखने को मिलेगा थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में वहीं पे जो टेलीविजन वर्जन है वो कलर सीनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा जहां पे वो थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद करीबन पांच सात महीनों के बाद देखने को मिलने वाला है जब वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से हिंदी वर्जन इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर जो तमिल वर्जन है उसका जो डब्ड वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप विथ इंग्लिश सब टाइटल बिल्कुल फ्री में हिंदी डब्ड वर्जन में डबिंग अच्छी है उसे भी आप इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का ओरिजिनल और रिमेक दोनों वर्जन आप कहाँ पे कैसे देख सकते हो तो उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म का जो ओरिजिनल आइडिया है वो पुष्कर गायत्री का ही था क्योंकि जो तमिल वर्जन है जिसका ये रीमेक बना हुआ है वो भी पुष्कर गायत्री ने ही लिखा हुआ था और डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे डायलॉग थे वो के मणिकंदन के थे अदरवाइज विक्रम वेदा फिल्म को 2017 में तमिल लैंग्वेज में न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर के तौर पे ही रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में थे आर माधवन विजय सेतुपति श्रद्धा श्रीनाथ और काथिर वारा लक्ष्मी शरद कुमार तो इतने चार पांच एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस फिल्म में लीड किरदार परफॉर्म किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के सभी कैरेक्टर को काफ़ी सराहना मिली थी फिल्म के डायरेक्शन को सिनेमेटोग्राफी बीजीएम तो काफ़ी अव्वल दर्जी की है जिसको री भी किया हुआ है अभी रीमेक में तो ये सभी चीज़ें फिल्म की काफ़ी बेहतरीन थी से एम सी एस का जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक था वो फिल्म को चार चांद लगा रहा था परफॉर्मेंसेस काफ़ी सोलिड थी विजय सेतुपति की परफॉर्मेंसेस को काफ़ी सराहना मिली हुई थी उसके बाद से उनको हिंदी ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पहचान मिली हुई थी क्योंकि जो तमिल वर्जन है वो ऑलरेडी हिंदी डब्ड वर्जन में काफ़ी समय पहले से ही अवेलेबल है जहाँ पर पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म के साथ एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी कल्ट क्लासिक न्यू एक्शन थ्रिलर फिल्म डिलीवर की हुई थी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते ग्यारह करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने करीबन बॉक्स ऑफिस पे तमिल लैंग्वेज में साठ से सत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदल फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी उसके बाद फिल्म का जो तेलुगू तम थोरी तमिल वर्जन है उसको जी फाइव के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन को यूट्यूब पे गोल्ड माइंस के चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था और डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को भी अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से विक्रम वेदा फिल्म को आप सभी अलग अलग वर्जन के तमिल वर्जन को इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात करें इस दो की विक्रम वेदा के बारे में तो इस फिल्म को भी लिखा हुआ है पुष्कर गायत्री ने डिरेक्ट किया पुष्कर गायत्री ने स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग उनकी थी डायलॉग्स जरूर दूसरों ने लिखे हुए अदरवाइज बाकी सभी चीज़ें उनकी देखने को मिलेगी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस शशिकांत चक्रवर्ती रामचंद्र विवेक अग्रवाल पुसन कुमार तो ये टोटल पाँच प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को वाइनो स्टूडियो फ्राइडे फिल्म वर्कस रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज़ फिल्म और जियो स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म का बजट करीबन पौने दो सौ करोड़ है तो जो ओरिजिनल फिल्म बनी थी वो ग्यारह करोड़ की थी उसके सामने इस फिल्म को पौने दो सौ करोड़ में सेम कहानी को बनाया हुआ है अब देखने वाली बात ये है कि पौने दो सौ करोड़ उन्होंने कहाँ कहाँ लगाए हुए वो रिलीज़ के बाद पता चलेगा लीड कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे सैफ अली खान राधिका आप्टे रोहित सराफ योगिता बिहानी सारी भाषमी और सत्यदीप मिश्रा भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर ऋतिक रोशन ने वेधा का रोल प्ले किया हुआ है सैफ अली खान ने विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है राधिका आप्टे आपको विक्रम की के वाइफ के रोल में दिखाई देंगी रोहित सराफ ने वेदा के भाई का रोल प्ले किया हुआ है योगिता बिहानी ने चंदा का रोल प्ले किया हुआ है सारी भाषमी ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है तो ये सभी किरदार है जो इंपॉर्टेंट है फिल्म के ये एक्टर्स ने प्ले किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एक गैंगस्टर और एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों के बीच के जो कुछ क्वेश्चन आंसर है एक तरह से विक्रम बेताल में किस तरह से आपने देखा था कि बेताल विक्रम को एक पजल दे देता दे है एक क्वेश्चन दे देता दे है बाद में उसको वो सोल्व करता है बस कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट लेके इस फिल्म की कहानी को मॉडर्न डे में सेट किया हुआ है जहाँ पे विक्रम एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है इसके अलावा वेदा है वो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है तो अब इन दोनों को किस तरह से एक फ्रेम में दिखाया है उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के सामने क्यों आते उसके पीछे क्या रीज़न है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है फिल्म का सस्पेंस है वो जिस तरह से डेवलप किया हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने वाली है क्योंकि मैंने ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है तो ये फिल्म का बेस पॉइंट तो सेम ही रहने वाला है थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे क्लाइमेक्स में या दूसरी जगह तो वो बात अलग है अदरवाइज़ मैंने कहा ठीक उसी तरह फिल्म की कहानी चलेगी इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी पी एस विनोद ने की हुई एडिटिंग रिचर्ड केविन ए ने की हुई म्यूजिक में बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो सीएमसीएस का है जो ओरिजिनल फिल्म में बीजेएम दिया हुआ है वही बीजेम इसमें यूज़ किया हुआ है तो से सी एस को ही क्रेडिट दी गई है वहीं पे जो सॉन्ग्स है वो विशाल शेखर के सुनने को मिलेंगे अभी तक सॉन्ग्स प्रॉपर वे में आउट नहीं किए गए लेकिन आने वाले समय में ये सॉन्ग्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे जिसके राइट्स टी सीरीज के पास है म्यूज़िक के तो उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे के राइट्स रखे हुए वैसे तो वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी है फिल्म के और उन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए हैं तो आने वाले समय में आपको सभी गाने और टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है पीवीआर पिक्चर्स पेन मरुदकर होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट तो काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फिल्म को कितनी बड़ी स्क्रीन मिलने वाली है कितनी सारी स्क्रीनस मिलेगी और ये एक अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ज़रूर लेगी शायद हो सकता है कि इस फिल्म की ओपनिंग जो ऋतिक रोशन की वॉर फिल्म आई थी उससे भी ज़्यादा हो सकती है भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन ऋतिक रोशन का फैन बेस जिन्होंने विक्रम वेदा ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है उनके लिए ये एक काफ़ी फ्रेश और अच्छी खासी स्टोरी के साथ आने वाली बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है तो उनको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी अब बात ये है कि मेकरस तो वही ये पुष्कर गाए थे जिन्होंने बनाया हुआ था। अगर उन्होंने फिल्म में कुछ लोगों को रीमेक ओरिजिनल के बीच में नहीं पढ़ते और कंटेंट देखने जाते भले ऋतिक रोशन से फली खान के फैन हो या फिर न्यूट्रल ऑडियंस हो जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है, तो उनको ये फिल्म जरूर पसंद आने वाली क्योंकि मैंने टीजर ट्रेलर देखा है वहां तक अंदाजा लग रहा है कि जो सेट डिज़ाइन वहाँ पे किए गए थे सेम सेट डिज़ाइन यहीं पे यूज़ किए हुए है वैसे ही क्रिएट किए हुए हैं लोकेशन भी लगभग लगभग सेम है सिर्फ जो नेटिविटी है तमिल नेटिविटी के हिसाब से कहानी को डेवलप किया हुआ था इधर ये इन सभी चीज़ों को आ, यूपी बिहार इस एरिया के साइड दिखाया हुआ है तो जिस वजह से थोड़ी नेटिविटी में चेंज होगा तो थोड़ी स्लेंग में चेंज होगा तो वो सभी चीज़ें माइन चेंजेस देखने को मिलेंगे

और इक्वल शेयर करेंगे वहीं दूसरे को प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे फ्राइडे फिल्म वर्क टी सीरीज फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट वो सभी लोग मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे जहाँ पे फिल्म का बजट पौने दो करोड़ तक पहुँच गया था नीरज पांडे इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर है वहीं पे पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया कि इस फिल्म की रीमेक है वो और भी ग्रीटी टोन के साथ हम आपको दिखाने वाले जो ओरिजिनल में आपको जितना भी ग्रीटी मैनर देखने को मिला है उससे कहीं ज़्यादा हम इस फिल्म में आपको ऐड करके दिखाएंगे तो थोड़े चेंजेस आप ज़रूर एक्सपेक्ट कीजिएगा बाकी कोर पॉइंट है वो सेम रहेगा ओरिजिनल मटीरियल है जो लिखा हुआ है उसमें ज़्यादातर हम चेंजेस करने नहीं वाले तो वही सब चीज़ें आपको जरूर देखने को मिलेगी लेकिन जो ऐसे पॉइंट है जिसको हम थोड़ा बेटर वे में कर सकते हैं तो वो हम जरूर चेंज करके आपको दिखाने वाले तो आपने जो बेताल पच्ची सी देखी होगी या विक्रम बेताल की जो कहानी देखी होगी उसी फोकटेल को थोड़ा इंटरेस्टिंग मैनर में मॉडर्न टाइम के साथ उन्होंने इस फिल्म की कहानी में दिखाया हुआ है जो अभी तक हिंदी सिनेमा में आपको देखने को नहीं मिला है वैसे डब्ड वर्जन आपने अगर देखा है विक्रम बेता का तो बात अलग है अदरवाइज हिंदी सिनेमा में इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा था कि शाहरुख खान को इस फिल्म में वेदा का रोल अप्रोच किया गया था लेकिन बाद में कंफर्म किया गया कि सैफ अली खान और आमिर खान इस किरदार को प्ले करेंगे जहाँ पे सैफ अली खान विक्रम का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है वहीं पे वेदा एक गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाले गैंगस्टर वेदा का रोल है वो आमिर खान प्ले करेंगे लेकिन सैफ अली खान का जो विक्रम के लिए जो तो उनको सरताज सिंकर का जो एक किरदार प्ले किया हुआ था उन्होंने सेक्रेट गेम्स में तो वहीं से उनको चूज़ किया गया था अदरवाइज पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म में चाह चाह था कि आर माधवनी वो रोल अपना रोल रिप्रेस करे लेकिन उनके रोक्रेटरी द नंबी इफेक्ट वाली फिल्म है उसके साथ उस फिल्म का कनेक्शन हो रहा था तो उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसकी बदौलत दोनों चीजें मैच हो रही थी डेट नहीं सेम डेट सेम हो रही थी जिसकी वजह से आर माधवन ने वो फिल्म करने से मना कर दी उसके बाद सैफ अली खान को रोल दिया गया वहीं पे आमिर खान को पहले लेने वाले थे दिसंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई तब पता चला कि ऋतिक रोशन ने उसका मेन रीज़न ऐसा बताया जा रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट के लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस डायरेक्टर और एक्टर के बीच में हुए जिसकी वजह से ऋतिक रोशन ने इस रोल को निभाने के लिए हाँ कर दिया जहाँ पे बाद में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की पेर कंफर्म की गई ना तुम जानो ना हम करके 2002 की फिल्म आई थी उसके बाद ये सेकंड टाइम वो कोलोब्रेशन करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे वेदा कानपुर का एक किरदार दिखाया हुआ है तो जहाँ पे वो अवधि एक्शन स्पीक कर स्पीक करते हुए नज़र आएंगे उसके बाद में जुलाई राधिका जुलाई में आजादिकाप्टे को साइन कर लिया गया जहाँ पे वो विक्रम की लोअर की वाइफ कर और विक्रम के विक्रम की लॉयर की वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे लॉयर वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे रोहित सर आपको इस फिल्म में वेदा के भाई के लिए साइन किया गया था उसी मंथ में उसके बाद में नवंबर 2021 में सारी बात ने कंफर्म किया कि वो बबलू का रोल प्ले करेंगे मार्च 2022 में योगिता बिहानी ने चूज़ किया कि वो एक चंदा के रोल में उनको चूज़ किया गया था तो इस तरह से कास्टिंग की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की फरवरी दो में स्टार्ट की गई थी जहाँ पर पहले बताया गया था कि इस फिल्म में आमिर खान देखने को मिलेंगे कास्ट उसके बाद में तो ऋतिक रोशन ने उनको जून दो में रिप्लेस कर लिया बाद में फिल्म की की शूटिंग स्टार्ट गई थी अक्टूबर से उसी साल बाद में फिल्म की कहानी को जो कानपुर का का और उस एरिया का दिखाया हुआ है लेकिन वो पूरे सेट को में में यानी कि क्रिएट किया हुआ था और वहीं से फिल्म की ओरिजिनल शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे टाइगर जिंदा का जो सेट वहां पे लगाया हुआ था उसी सेट को थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करके वहां पे लखनऊ और कानपुर का एक सेट क्रिएट करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी थोड़ा बहुत जो खर्चा आपको देखने

आप्टे को करीबन दस दिन का शेड्यूल था उनके पास तो उन्होंने छब्बीस अप्रैल दो में अपना शेड्यूल कंप्लीट किया हुआ था पूरी फिल्म को करीबन दस जून दो को रेपअप किया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी ने क्रिएट किया हुआ है ओरिजिनल में तो सेम सी ने सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर दोनों क्रिएट किया हुआ था और दोनों अव्वल दर्जे के निकले हुए थे जो टॉप टोपनोज का बी था वो फिल्म को और बेहतर बना रहा था जिस वजह से मेकर्स ने फैसला लिया कि इस फिल्म का बी चेंज नहीं करेंगे ज़रूर गाने हिंदी नेटिविटी के हिसाब से चेंज किए जाएंगे लेकिन बीजेम सेम रहने वाला है जिस वजह से टीजर ट्रेलर में जो आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनने को मिल रहा है वो ओरिजिनल वर्जन से सेम टू सेम रखा हुआ है इसके अलावा

हिंदी फिल्मों के लिए उसके बाद में फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया उसको काफी ज्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और एक रीमेक फिल्म होने के बावजूद फिल्म का जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आया तब को उसको अंदाजा लग गया कि ये फिल्म कितनी और बड़ी होने वाली है अब ये फिल्म रिलीज़ होने के लिए तैयार है जहाँ पे विक्रम वेधा को 30 सितंबर 2022 को रिलीज़ करने का फैसला लिया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब देखने वाली बात ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जो तमिल का रीमेक है वो पता है तमिल में चल गई थी डब्ड वर्जन भी अच्छा खासा चला था लेकिन जो थिएटर ऑडियंस है वो इस फिल्म को कितना एक्सेप्ट करती है पुष्कर गायत्री ने क्या क्या चेंजेस किए हुए वो चेंजेस किस वे में जाते हैं वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फिल्म कितना लंबा रन लेगी उसके अलावा ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की जो एक टेंगे वो आर माधवन और साथ ही में विजय सेतुपति तो जो ओरिजिनल वर्जन है उसके मुकाबले कहाँ तक जाके पहुँचती है या अपना अलग अप्रोच रहता है वो अप्रोच कैसा होता है वो सभी चीज़ें अलग अलग फैक्टर फिल्म के लिए इफेक्ट कर सकते हैं बेटर वे में या तो नेगेटिव वे में अब ये सभी चीज़ें पता चलेगी फिल्म रिलीज होगी तब अब फिल्म 30 सितंबर 2022 को फिक्स की गई है तो अब देखने वाली बात यह कि उस दिन तो वैसे ही बड़ी ओपनिंग मिलेगी ऋतिक रोशन और सैफ अली खान जैसे बड़े एक्टर अगर एक फिल्म में होंगे तो फिल्म आसानी से करीबन पचास करोड़ के आसपास की ओपनिंग तो लेने ही वाली है तो अब देखने वाली बात ये कि उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कितना बड़ा और बढ़िया मिलता है उसके बाद में वो सभी चीज़ें कितने बड़े लेवल पर कन्वर्ट होती है तभी पता चलेगा कि फिल्म किस लेवल पर कितनी बड़ी हिट होगी और अगर ये फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये लंबी

इस फिल्म के जो ओटीटी वो सिलेक्ट के पास है वहीं पे इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो सेटेलाइट सिनेप्लेक्स के पास है जो दोनों प्लेटफॉर्म है वो ऑन करता है वाइकोमेटिन स्टूडियो तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के दो ढाई महीने के बाद वुड सिलेक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर या ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन विक्रम वेदा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो थिएट्रिकल रिलीज़ के लंबे समय के बाद टेलीविज़न चैनल कलर सीनेप्लेक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में विक्रम वेदा के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा इसके अलावा ये फिल्म तमिल फिल्म का रीमेक है जहाँ पे तमिल में भी इस फिल्म को विक्रम वेदा ही नाम दिया गया था तो नाम सेम रखा हुआ है तो तमिल वर्जन है जो विक्रम वेदा उसका हिंदी डब्ड वर्ज़न है वो गोल वालों ने डब किया हुआ था तो वो वर्ज़न आपको गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा जहाँ पे उस वर्ज़न को काफ़ी अच्छी खासी डबिंग की गई है और अच्छे खासे व्यूज भी मिले हुए तो वहाँ से आप वो वर्जन भी यूज कर सक, सक, सकते हो उस वर्जन को भी देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि विक्रम वेदा फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म वुड सिलेक्ट के ऊपर देखने को मिलेगा थिएट्रिकल रिलीज के दो ढाई महीने के बाद विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी वर्जन में

तो इस तरह से इस फिल्म का ओरिजिनल और रिमेक दोनों वर्जन आप कहाँ पे कैसे देख सकते हो तो उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी विक्रम वेदा जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म का जो ओरिजिनल आइडिया है वो पुष्कर गायत्री का ही था क्योंकि जो तमिल वर्जन है जिसका ये रीमेक बना हुआ है वो भी पुष्कर गायत्री ने ही लिखा हुआ था और डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे डायलॉग थे वो के मणिकंदन के थे अदरवाइज़ विक्रम वेदा फिल्म को 2017 में तमिल लैंग्वेज में न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर के तौर पर ही रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में थे माधवन विजय सेतुपति श्रद्धा श्रीनाथ और काथिर वारा लक्ष्मी शरद कुमार तो इतने चार पांच एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस फिल्म में लीड किरदार परफॉर्म किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के सभी कैरेक्टर को काफी सराहना मिली थी फिल्म के डायरेक्शन को सिनेमेटोग्राफी बीजीएम तो काफी अव्वल दर्जे की है जिसको री भी किया हुआ है अभी रीमेक में तो ये सभी चीज़ें फिल्म की काफ़ी बेहतरीन जिससे एम सी एस का जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक था वो फिल्म को चार चांद लगा रहा था परफॉर्मेंसेस काफ़ी सोलिड थी विजय सेतुपति की परफॉर्मेंसेस को काफ़ी सराहना मिली हुई थी उसके बाद से उनको हिंदी ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पहचान मिली हुई थी क्योंकि जो तमिल वर्जन है वो ऑलरेडी हिंदी डब्ड वर्जन में काफ़ी समय पहले से ही अवेलेबल है जहाँ पर पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म के साथ एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी कल्ट क्लासिक न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म डिलीवर की हुई थी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते ग्यारह करोड़ के बजट में इस फिल्म ने करीबन बॉक्स ऑफिस पे तमिल लैंग्वेज में साठ से सत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदौलत एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी उसके बाद फिल्म का जो तेलगू तमसोरी तमिल वर्जन है उसको जी फाइव के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन को यूट्यूब पे गोल्ड माइन्स के चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था और डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को भी अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से विक्रम वेदा फिल्म को आप सभी अलग अलग वर्जन के तमिल वर्जन को इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात करें इस दो की विक्रम वेदा के बारे में तो इस फिल्म को भी लिखा हुआ है पुष्कर गायत्री ने डिरेक्ट किया पुष्कर गायत्री ने स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग उनकी थी डायलॉग्स जरूर दूसरों ने लिखे हुए अदरवाइज बाकी सभी चीजें उनकी देखने को मिलेगी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस शशिकांत चक्रवर्ती रामचंद्र विवेक अग्रवाल भूषण कुमार तो ये टोटल पांच प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को वाइनो स्टूडियो फ्रा, फ्राइडे फिल्म वर्क्स रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज फिल्म और जियो स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बजट करीबन पौने दो सौ करोड़ है तो जो ओरिजिनल फिल्म बनी थी वो ग्यारह करोड़ की थी उसके सामने इस फिल्म को पौने दो सौ करोड़ में सेम कहानी को बनाया हुआ है अब देखने वाली बात ये है कि पौने दो सौ करोड़ उन्होंने कहाँ कहाँ लगाए हुए वो रिलीज के बाद पता चलेगा लीड कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे सैफ अली खान राधिका आप्टे रोहित सराफ योगिता बिहानी सारी भाषमी और सत्यदीप मिश्रा भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे ऋतिक रोशन ने वेदा का रोल प्ले किया हुआ है सैफ अली खान ने विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है राधिका आप्टे आपको विक्रम के वाइफ के रोल में दिखाई देंगी रोहित सराफ ने वेदा के भाई का रोल प्ले किया हुआ है योगिता बिहानी ने चंदा का रोल प्ले किया हुआ है सारी भाषमी ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है तो ये सभी किरदार है जो इंपॉर्टेंट किरदार है फिल्म के ये एक्टर्स ने प्ले किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एक गैंगस्टर और एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों के बीच के जो कुछ क्वेश्चन आंसर है एक तरह से विक्रम बेताल में किस तरह से आपने देखा था कि बेताल विक्रम को एक पजल दे देता दे है एक क्वेश्चन दे देता दे है बाद में उसको वो सोल्व करता है बस कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट लेके इस फिल्म की कहानी को मॉडर्न डे में सेट किया हुआ है जहाँ पे विक्रम एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है इसके अलावा वेदा है वो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है तो अब इन दोनों को किस तरह से एक फ्रेम में दिखाया है उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के सामने क्यों आते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है फिल्म का सस्पेंस है वो जिस तरह से डेवलप किया हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने वाली है क्योंकि मैंने ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है तो ये फिल्म का बेस पॉइंट तो सेम ही रहने वाला है थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे क्लाइमेक्स में या दूसरी जगह तो वो बात अलग है अदरवाइज मैंने कहा ठीक उसी तरह फिल्म की कहानी चलेगी इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी पी एस विनोद ने किए हुए एडिटिंग रिचर्ड केविन ए ने किए हुए म्यूजिक में बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो सीएमसीएस का है जो ओरिजिनल फिल्म में बीजेएम दिया हुआ है वही बीजेम इसमें यूज़ किया हुआ है तो सीएमसीएस को ही क्रेडिट दी गई है वहीं पे जो सॉन्ग्स है वो विशाल शेखर के सुनने को मिलेंगे अभी तक सॉन्ग्स प्रॉपर वे में आउट नहीं किए गए लेकिन आने वाले समय में ये सॉन्ग्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे जिसके राइट्स टी सीरीज के पास है म्यूज़िक के तो उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे के राइट्स रखे हुए वैसे तो वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी है फिल्म के और उन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तो आने वाले समय में आपको सभी गाने और टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है पी आर, पिक्चर्स पेन मरुदकर होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट तो काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फिल्म को कितनी बड़ी स्क्रीन मिलने वाली है कितनी सारी स्क्रीन मिलेगी और ये एक अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ज़रूर लेगी शायद हो सकता है कि इस फिल्म की ओपनिंग जो ऋतिक रोशन की वॉर फिल्म आई थी उससे भी ज़्यादा हो सकती है भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन ऋतिक रोशन का फैन बेस जिन्होंने विक्रम वेदा ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है उनके लिए ये एक काफ़ी फ्रेश और अच्छी खासी स्टोरी के साथ आने वाली बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है तो उनको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी अब बात यह है कि मेकरस तो वही है पुष्कर गाए थे जिन्होंने ओरिजिनल बनाया हुआ था अगर उन्होंने फिल्म में कुछ चेंजेस किए वो सही जाते तो पता लगे अगर वो थोड़े अगेंस्ट गए तो फ्लॉप होने के चांसी से फिल्म के चांसेस है फिल्म अदरवाइज अगर सेम टू सेम बनाया हुआ है अगर लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है रीमेक ओरिजिनल के बीच में नहीं पढ़ते और कंटेंट देखने जाते भले ऋतिक रोशन से फली खान के फैन हो या फिर न्यूट्रल ऑडियंस हो जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो उनको ये फिल्म जरूर पसंद आने वाली क्योंकि मैंने टीजर ट्रेलर देखा है वहां तक अंदाजा लग रहा है कि जो सेट डिज़ाइन वहाँ पे किए गए थे सेम सेट डिज़ाइन यहीं पे यूज़ किए हुए वैसे ही क्रिएट किए हुए हैं लोकेशन भी लगभग लगभग सेम है सिर्फ जो नेटिविटी है तमिल नेटिविटी के हिसाब से कहानी को डेवलप किया हुआ था इधर ये इन सभी चीज़ों को यूपी बिहार इस एरिया के साइड दिखाया हुआ है तो जिस वजह से थोड़ी नेटिविटी में चेंज होगा तो थोड़ी स्लेंग में चेंज होगा तो वो सभी चीज़ें माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे बाकी जो एक्चुअल स्टोरी है वो सेम है तो जिसके बदौलत ये फिल्म आपको अगर नहीं देखी हुई ओरिजिनल वजन तो ज़रूर कनेक्ट करने वाली है अब डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म को मार्च 2018 में पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया हुआ था कि वो इस रिमेक को डायरेक्ट करने वाले थे रिमेक राइट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके थे जहाँ पे कुछ करार के थ्रू सोल्ड आउट किए गए थे जहाँ पे वायनो स्टूडियो जो ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस है तमिल वर्जन का उन्होंने कहा था कि वो इस फिल्म में भी पे शेयर लगाएंगे और इक्वल शेयर करेंगे वहीं दूसरे को प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे फ्राइडे फिल्म वर्क टी सीरीज फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट वो सभी लोग मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे जहाँ पे फिल्म का बजट पौने दो करोड़ तक पहुँच गया था नीरज पांडे इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर है वहीं पे पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया कि इस फिल्म की रीमेक है वो और भी ग्रीटी टोन के साथ हम आपको दिखाने वाले जो ओरिजिनल में आपको जितना भी ग्रीटी मैनर देखने को मिला है उससे कहीं ज़्यादा हम इस फिल्म में आपको ऐड करके दिखाएंगे तो थोड़े चेंजेस आप ज़रूर एक्सपेक्ट कीजिएगा बाकी कोर पॉइंट है वो सेम रहेगा ओरिजिनल मटीरियल है जो लिखा हुआ है उसमें ज़्यादातर हम चेंजेस करने नहीं वाले तो वही सब चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी लेकिन जो ऐसे पॉइंट है जिसको हम थोड़ा बेटर वे में कर सकते हैं तो वो हम ज़रूर चेंज करके आपको दिखाने वाले तो आपने जो बेताल पच्ची ही देखी होगी या विक्रम बेताल की जो कहानी देखी होगी उसी फोकटेल को थोड़ा इंटरेस्टिंग मैनर में मॉडर्न टाइम के साथ उन्होंने इस फिल्म की कहानी में दिखाया हुआ है जो अभी तक हिंदी सिनेमा में आपको देखने को नहीं मिला है वैसे डब्ड वर्जन आपने अगर देखा है विक्रम बेता का तो बात अलग है अदरवाइज हिंदी सिनेमा में इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा था कि शाहरुख खान को इस फिल्म में वेदा का रोल अप्रोच किया गया था लेकिन बाद में कंफर्म किया गया है कि सैफ अली खान और आमिर खान इस किरदार को प्ले करेंगे जहाँ पे सैफ अली खान विक्रम का रोल प्ले कर रहे जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है वहीं पे वेदा एक गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाले गैंगस्टर वेदा का रोल है वो आमिर खान प्ले करेंगे लेकिन सैफ अली खान के जो विक्रम के लिए जो तो उनको सरताज सिंह कर का जो किरदार प्ले किया हुआ था उन्होंने सेक्रेट गेम्स में तो वहीं से उनको चूज़ किया गया था अदरवाइज पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म में चाह था कि आर माधवनी वो रोल अपना रोल रिप्लेस करे लेकिन उनकी रोक्रेटरी द नंबी इफेक्ट वाली फिल्म है उसके साथ उस फिल्म का कनेक्शन हो रहा था तो उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसकी बदौलत दोनों चीजें मैच हो रही थी डेट नहीं सेम डेट सेम हो रही थी जिसकी वजह से आर माधवन ने वो फिल्म करने से मना कर दी उसके बाद सैफ अली खान को रोल दिया गया वहीं पे आमिर खान को पहले लेने वाले थे दिसंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई तब पता चला कि ऋतिक रोशन ने उसका मेन रीज़न ऐसा बताया जा रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट के लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस डायरेक्टर और एक्टर के बीच में हुए जिसकी वजह से ऋतिक रोशन ने इस रोल को निभाने के लिए हा कर दिया जहाँ पे बाद में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की पेर कंफर्म की गई ना तुम जानो ना हम करके 2002 की फिल्म आई थी उसके बाद ये सेकंड टाइम वो कोलोब्रेशन करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे वेदा कानपुर का एक किरदार दिखाया हुआ है तो जहाँ पे वो अवधि एक्सेंट स्पीक कर स्पीक करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में जुलाई राधिका जुलाई में आजादिकाप्टे को साइन कर लिया गया जहाँ पे वो विक्रम की लोअर की वाइफ का और विक्रम के विक्रम की लॉयर की वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे लॉयर वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे रोहित शराब को इस फिल्म में वेदा के भाई के लिए साइन किया गया था उसी मंथ में उसके बाद में नवंबर 2021 में सारी बात में कंफर्म किया कि वो बबलू का रोल प्ले करेंगे मार्च 2022 में योगिता बिहानी ने चूज़ किया कि वो एक चंदा के रोल में उनको चूज़ किया गया था तो इस तरह से कास्टिंग की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की फरवरी दो में स्टार्ट की गई थी जहाँ पर पहले बताया गया था कि इस फिल्म में आमिर खान देखने को मिलेंगे कास्ट में उसके बाद में तो ऋतिक रोशन ने उनको जून दो में रिप्लेस कर लिया बाद में फिल्म की थी अक्टूबर से उसी साल बाद में फिल्म की कहानी को वहीं से फिल्म और की ओरिजिनल शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे टाइगर जिंदा का जो सेट वहां पे लगाया हुआ था उसी सेट को थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करके वहां पे लखनऊ और कानपुर का एक सेट क्रिएट करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी थोड़ा बहुत जो खर्चा आपको देखने को मिल रहा है पौने करोड़ का बजट वो उसी चीज की वजह से बढ़ा हुआ, तो हुआ था धाबी में उस शेड्यूलब सत्ताईस से तीस दिन शूट किया गया था और उसके बाद लखनऊ में भी थोड़े दिन ले जाया गया था वहां पर भी कुछ सीन्स को कुछ पोर्स को शूट किया हुआ था सैफ अली खान ने अपने पोर्स को उसी मन जब दिसंबर के महीने में दो में फिल्म की आखिरी शूटिंग चल रही थी लखनऊ में वहाँ पर उनका पोर्सन उन्होंने कंप्लीट किया हुआ था का आप्टे को करीबन दस दिन का शेड्यूल था उनके पास तो उन्होंने छब्बीस अप्रैल दो में अपना शेड्यूल कंप्लीट किया हुआ था पूरी फिल्म को करीबन दस जून दो को रेपअप किया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी एस ने क्रिएट किया हुआ है ओरिजिनल में तो सेम सी एस ने सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर दोनों क्रिएट किया हुआ था और दोनों अव्वल दर्जे के निकले हुए थे जो टॉप टोपनोज का बी जी एम था वो फिल्म को और बेहतर बना रहा था जिस वजह से मेकर्स ने फैसला लिया कि इस फिल्म का बी जी एम चेंज नहीं करेंगे ज़रूर गाने हिंदी नेटिविटी के हिसाब से चेंज किए जाएंगे लेकिन बी जी एम सेम रहने वाला है जिस वजह से टीजर ट्रेलर में जो आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है वो ओरिजिनल वर्जन से सेम टू सेम रखा हुआ है इसके अलावा

फिल्मों के लिए उसके बाद में फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया उसको काफी ज्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और एक रीमेक फिल्म होने के बावजूद फिल्म का जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आया तब को उसको अंदाजा लग गया कि ये फिल्म कितनी और बड़ी होने वाली है अब ये फिल्म रिलीज़ होने के लिए तैयार है जहाँ पे विक्रम वेधा को 30 सितंबर 2022 को रिलीज़ करने का फैसला लिया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब देखने वाली बात ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जो तमिल का रीमेक है वो पता है तमिल में चल गई थी डब्ड वर्जन भी अच्छा खासा चला था लेकिन जो थिएटर ऑडियंस है वो इस फिल्म को कितना एक्सेप्ट करती है पुष्कर गायत्री ने क्या क्या चेंजेस किए हुए वो चेंजेस किस वे में जाते हैं वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फिल्म कितना लंबा रन लेगी उसके अलावा ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की जो एक्टिंग वो माधवन और साथ ही में विजय से तो है, 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 अलग -अलग सकते हैं बेटर वे में या तो नेगेटिव वे में अब ये सभी चीजें पता चलेगी फिल्म रिलीज होगी तब अब फिल्म 30 सितंबर 2022 को फिक्स की गई है तो अब देखने वाली बात यह कि उस दिन तो वैसे ही बड़ी ओपनिंग मिलेगी ऋतिक रोशन और सैफ अली खान जैसे बड़े एक्टर अगर एक फिल्म में होंगे तो फिल्म आसानी से करीबन पचास करोड़ के आसपास की ओपनिंग तो लेने ही वाली है तो अब देखने वाली बात ये ही कि उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कितना बड़ा और बढ़िया मिलता है उसके बाद में वो सभी चीज़ें कितने बड़े लेवल पर कन्वर्ट होती है तभी पता चलेगा कि फिल्म किस लेवल पर कितनी बड़ी हिट होगी और अगर ये फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये लंबी रेस का घोड़ा निकलेगी फिल्म लंबी रन लेगी लंबा रन लेने के बाद ये फिल्म आसानी से पौने दो करोड़ के बजट में बनी हुई है उसके सामने चार सौ करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि जिसने जितने भी मैंने पॉइंट बताए उस पॉइंट में फिल्म कितनी खरी उतरती है अब हम बात करें इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ और सेटेलाइट राइट्स से, है वो वाईकॉम एटीन स्टूडियो ने ही खरीदे हुए जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो वुड सिलेक्ट के पास है वहीं पर इस फिल्म के जो सेटेलाइट राइट्स से, है वो कलर सिनेप्लेक्स के पास है जो दोनों प्लेटफॉर्म है वो ऑन करता है वाइकॉम एटीन स्टूडियो तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद वुड सिलेक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर या ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन विक्रम वेदा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविजन वर्जन है वो थिएट्रिकल रिलीज के लंबे समय के बाद टेलीविजन चैनल कलर सिनेप्लेक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में विक्रम वेदा के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा इसके अलावा ये फिल्म तमिल फिल्म का रीमेक है जहाँ पे तमिल में भी इस फिल्म को विक्रम वेदा ही नाम दिया गया था तो नाम सेम रखा हुआ है तो तमिल वर्जन है जो विक्रम वेदा उसका हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमाइस वालों ने

वहीं पे जो टेलीविजन वर्जन है वो कलर चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे वो थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद करीबन पांच सात महीनों के बाद देखने को मिलने वाला है जो वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से हिंदी वर्जन इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे जो तमिल वर्जन है उसका जो डब्ड वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्स विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में हिंदी डब्ड वर्जन में डबिंग अच्छी है उसे भी आप इन्जॉय कर सकते हो विक्रम वेदा जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म का जो ओरिजिनल आइडिया है वो पुष्कर गायत्री का ही था क्योंकि जो तमिल वर्जन है जिसका ये रीमेक बना हुआ है वो भी पुष्कर गायत्री ने ही लिखा हुआ था और डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे डायलॉग थे वो के मणिकंदन के थे अदरवाइज़ विक्रम वेदा फिल्म को 2017 में तमिल लैंग्वेज में न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर के तौर पर ही रिलीज किया गया था जहां पे इस फिल्म के लीड रोल में थे आरमाधवन विजय सेतुपति श्रद्धा श्रीनाथ और काथिर वारा लक्ष्मी शरद कुमार तो इतने चार पाँच एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस फिल्म में लीड किरदार परफॉर्म किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के सभी कैरेक्टर को काफ़ी सराहना मिली थी फिल्म के डायरेक्शन को सिनेमेटोग्राफी बीजीएम तो काफ़ी अव्वल दर्जे की है जिसको री भी किया हुआ है अभी रीमेक में तो ये सभी चीज़ें फिल्म की काफ़ी बेहतरीन थी सी एम सी इसका जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक था वो फिल्म को चार चांद लगा रहा था परफॉर्मेंसेस काफ़ी सोलड थी विजय सेतुपति की परफॉर्मेंसेस को काफ़ी सराहना मिली हुई थी उसके बाद से उनको हिंदी ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पहचान मिली हुई थी क्योंकि जो तमिल वर्जन है वो ऑलरेडी हिंदी डब्ड वर्जन में काफ़ी समय पहले से ही अवेलेबल है जहाँ पर पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म के साथ एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी कल्ट क्लासिक न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म डिलीवर की हुई थी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते ग्यारह करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने करीबन बॉक्स ऑफिस पे तमिल लैंग्वेज में साठ से सत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदौलत फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी उसके बाद फिल्म का जो तेलगू तमसोरी तमिल वर्जन है उसको जी फाइव के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन को यूट्यूब पे गोल्ड माइन्स के चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था और डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को भी अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से विक्रम वेदा फिल्म को आप सभी अलग अलग वर्जन के तमिल वर्जन को इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात करें इस दो की विक्रम वेदा के बारे में तो इस फिल्म को भी लिखा हुआ है पुष्कर गायत्री ने डिरेक्ट किया पुष्कर गायत्री ने स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग उनकी थी डायलॉग्स जरूर दूसरों ने लिखे हुए अदरवाइज बाकी सभी चीजें उनकी देखने को मिलेगी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस शशिकांत चक्रवर्ती रामचंद्र विवेक अग्रवाल भूषण कुमार तो ये टोटल पांच प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को वाइनो स्टूडियो फ्रा, फ्राइडे फिल्म वर्क्स रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज़ फिल्म और जियो स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बजट करीबन पौने दो सौ करोड़ है तो जो ओरिजिनल फिल्म बनी थी वो ग्यारह करोड़ की थी उसके सामने इस फिल्म को पौने दो सौ करोड़ में सेम कहानी को बनाया हुआ है अब देखने वाली बात यह है कि पौने दो सौ करोड़ उन्होंने कहाँ कहाँ लगाए हुए वो रिलीज के बाद पता चलेगा लीड कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे सैफ अली खान राधिका आप्टे रोहित सराफ योगिता बिहानी सारी भाषमी और सत्यदीप मिश्रा भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर ऋतिक रोशन ने वेदा का रोल प्ले किया हुआ है सैफ अली खान ने विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है राधिका आप्टे आपको विक्रम के वाइफ के रोल में दिखाई देंगी रोहित सराफ ने वेदा के भाई का रोल प्ले किया हुआ है योगिता बिहानी ने चंदा का रोल प्ले किया हुआ है सारी भाषमी ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है तो ये सभी किरदार है जो इंपॉर्टेंट किरदार है फिल्म के ये एक्टर्स ने प्ले किए हुए जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एक गैंगस्टर और एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों के बीच के जो कुछ क्वेश्चन आंसर है एक तरह से विक्रम बेताल में किस तरह से आपने देखा था कि बेताल विक्रम को एक पजल दे देता दे है एक क्वेश्चन दे देता दे है बाद में उसको वो सोल्व करता है बस कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट लेके इस फिल्म की कहानी को मॉडर्न डे में सेट किया हुआ है जहाँ पे विक्रम एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है इसके अलावा वेदा है वो एक ट्रेडेड गैंगस्टर है तो अब इन दोनों को किस तरह से एक फ्रेम में दिखाया है उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के सामने क्यों आते उसके पीछे क्या रीज़न है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है फिल्म का सस्पेंस है वो जिस तरह से डेवलप किया हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने वाली है क्योंकि मैंने ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है तो ये फिल्म का बेस पॉइंट तो सेम ही रहने वाला है थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे क्लाइमेक्स में या दूसरी जगह तो वो बात अलग है अदरवाइज मैंने कहा ठीक उसी तरह फिल्म की कहानी चलेगी इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी पी एस विनोद ने की हुई एडिटिंग रिचर्ड केविन ए ने की हुई म्यूजिक में बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो सैम सी एस का है जो ओरिजिनल फिल्म में बीजेएम दिया हुआ है वही बीजेम इसमें यूज़ किया हुआ है तो सेम सी एस को ही क्रेडिट दी गई है वहीं पे जो सॉन्ग्स है वो विशाल शेखर के सुनने को मिलेंगे अभी तक सॉन्ग्स प्रॉपर वे में आउट नहीं किए गए लेकिन आने वाले समय में ये सॉन्ग्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जिसके राइट्स टी सीरीज के पास है म्यूज़िक के तो उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे के राइट्स रखे हुए वैसे तो वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी है फिल्म के और उन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अच्छी खासे प्राइस में खरीदे हुए तो आने वाले समय में आपको सभी गाने और टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है पीवीआर पिक्चर्स पेन मरुदकर होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट तो काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फिल्म को कितनी बड़ी स्क्रीन मिलने वाली है कितनी सारी स्क्रीन मिलेगी और ये एक अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ज़रूर लेगी शायद हो सकता है कि इस फिल्म की ओपनिंग जो ऋतिक रोशन की वॉर फिल्म आई थी उससे भी ज़्यादा हो सकती है भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन ऋतिक रोशन का फैन बेस जिन्होंने विक्रम वेदा ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है उनके लिए ये एक काफ़ी फ्रेश और अच्छी खासी स्टोरी के साथ आने वाली बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है तो उनको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी अब बात ये है कि मेकरस तो वही है पुष्कर गाए थे जिन्होंने ओरिजिनल बनाया हुआ था अगर उन्होंने फिल्म में कुछ चेंजेस किए वो सही जाते तो पता लगे अगर वो थोड़े अगेंस्ट गए तो फ्लॉप होने के चांसेस है फिल्म के अदरवाइज अगर सेम टू सेम बनाया हुआ है अगर लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है रीमेक ओरिजिनल के बीच में नहीं पढ़ते और कंटेंट देखने जाते भले ऋतिक रोशन से फली खान के फैन हो या फिर न्यूट्रल ऑडियंस हो जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो उनको ये फिल्म जरूर पसंद आने वाली क्योंकि मैंने टीजर ट्रेलर देखा है वहाँ तक अंदाजा लग रहा है कि जो सेट डिज़ाइन वहाँ पे किए गए थे सेम सेट डिज़ाइन यहीं पे यूज़ किए हुए हैं वैसे ही क्रिएट किए हुए हैं लोकेशन भी लगभग लगभग सेम है सिर्फ जो नेटिविटी है तमिल नेटिविटी के हिसाब से कहानी को डेवलप किया हुआ था इधर ये इन सभी चीज़ों को यूपी बिहार इस एरिया के साइड दिखाया हुआ है तो जिस वजह से थोड़ी नेटिविटी में चेंज होगा तो थोड़ी स्लेंग में चेंज होगा तो वो सभी चीज़ें माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे बाकी जो एक्चुअल स्टोरी है वो सेम है तो जिसकी बदौलत ये फिल्म आपको अगर नहीं देखी हुई ओरिजिनल वजन तो जरूर कनेक्ट करने वाली है अब डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म को मार्च 2018 में पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया हुआ था कि वो इस रिमेक को डायरेक्ट करने वाले थे रिमेक राइट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके थे जहाँ पे कुछ करार के थ्रू सोल्ड आउट किए गए थे जहाँ पे वाइनो स्टूडियो जो ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस है तमिल वर्जन का उन्होंने कहा था कि वो इस फिल्म में भी पे शेयर लगाएंगे और इक्वल शेयर करेंगे वहीं दूसरे को प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे फ्राइडे फिल्म वर्क टी सीरीज फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट वो सभी लोग मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे जहाँ पे फिल्म का बजट पौने दो करोड़ तक पहुँच गया था नीरज पांडे इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर है वहीं पे पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया कि इस फिल्म की रीमेक है वो और भी ग्रीटी टोन के साथ हम आपको दिखाने वाले जो ओरिजिनल में आपको जितना भी ग्रीटी मैनर देखने को मिला है उससे कहीं ज़्यादा हम इस फिल्म में आपको ऐड करके दिखाएंगे तो थोड़े चेंजेस आप ज़रूर एक्सपेक्ट कीजिएगा बाकी कोर पॉइंट है वो सेम रहेगा ओरिजिनल मटीरियल है जो लिखा हुआ है उसमें ज़्यादातर हम चेंजेस करने नहीं वाले तो वही सब चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी लेकिन जो ऐसे पॉइंट है जिसको हम थोड़ा बेटर वे में कर सकते तो वो हम ज़रूर चेंज करके आपको दिखाने वाले तो आपने जो बेताल पच्ची सी देखी होगी या विक्रम बेताल की जो कहानी देखी होगी उसी फोकटेल को थोड़ा इंटरेस्टिंग मैनर में मॉडर्न टाइम के साथ उन्होंने इस फिल्म की कहानी में दिखाया हुआ है जो अभी तक हिंदी सिनेमा में आपको देखने को नहीं मिला है वैसे डब्ड वर्जन आपने अगर देखा है विक्रम बेता का तो बात अलग है अदरवाइज हिंदी सिनेमा में इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा था कि शाहरुख खान को इस फिल्म में वेदा का रोल अप्रोच किया गया था लेकिन बाद में कंफर्म किया गया है कि सैफ अली खान और आमिर खान इस किरदार को प्ले करेंगे जहाँ पे सैफ अली खान विक्रम का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है वहीं पे वेदा एक गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाले गैंगस्टर वेदा का रोल है वो आमिर खान प्ले करेंगे लेकिन सैफ अली खान का जो विक्रम के लिए जो तो उनको सरताज सिंह कर का जो किरदार प्ले किया हुआ था उन्होंने सेक्रेट गेम्स में तो वहीं से उनको चूज़ किया गया था अदरवाइज पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म में चाह था कि आर माधवनी वो रोल अपना रोल रिप्लेस करे लेकिन उनकी रोक्रेटरी द नंबी इफेक्ट वाली फिल्म है उसके साथ उस फिल्म का कनेक्शन हो रहा था तो उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसकी बदौलत दोनों चीज़ें मैच हो रही थी डेट नहीं सेम डेट सेम हो रही थी जिसकी वजह से आर माधवन ने वो फिल्म करने से मना कर दी उसके बाद सैफ अली खान को रोल दिया गया वहीं पे आमिर खान को पहले लेने वाले थे दिसंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई तब पता चला कि ऋतिक रोशन ने उसका मेन रीज़न ऐसा बताया जा रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट के लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस डायरेक्टर और एक्टर के बीच में हुए जिसकी वजह से ऋतिक रोशन ने इस रोल को निभाने के लिए हाँ कर दिया जहाँ पे बाद में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की पेर कंफर्म की गई ना तुम जानो ना हम करके 2002 की फिल्म आई थी उसके बाद ये सेकंड टाइम वो कोलोबरेशन करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे वेदा कानपुर का एक किरदार दिखाया हुआ है तो जहाँ पे वो अवधि एक्शन स्पीक कर स्पीक करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में जुलाई राधिका जुलाई में आजादिकापटे को साइन कर लिया गया जहाँ पे वो विक्रम की लोअर की वाइफ का और विक्रम के विक्रम की लॉयर की वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे लॉयर वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे रोहित सर आपको इस फिल्म में वेदा के भाई के लिए साइन किया गया था उसी मंथ में उसके बाद में नवंबर 2021 में सारी बात ने कंफर्म किया कि वो बबलू का रोल प्ले करेंगे मार्च 2022 में योगिता बिहानी ने चूज किया कि वो एक चंदा के रोल में उनको चूज किया गया था तो इस तरह से कास्टिंग की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की फरवरी दो में स्टार्ट की गई थी जहाँ पर पहले बताया गया था कि इस फिल्म में आमिर खान देखने को मिलेंगे कास्ट उसके बाद में तो ऋतिक रोशन जून दो जून इक्कीस में रिप्लेस कर लिया बाद में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी पंद्रह अक्टूबर से उसी साल बाद में फिल्म की कहानी को जो भले ही का, कानपुर का और उस एरिया का दिखाया हुआ लेकिन वो पूरे सेट को यू अबुधाबी में, कि अबुधा में क्रिएट किया हुआ था और वहीं से फिल्म की ओरिजिनल शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे टाइगर जिंदा का जो सेट वहाँ पे लगाया हुआ था उसी सेट को थोड़ा रिकन्स्ट्रक करके वहाँ पे लखनऊ और कानपुर का एक सेट क्रिएट करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी थोड़ा बहुत जो खर्चा आपको देखने को मिल रहा है पौने दो करोड़ का बजट वो उसी चीज़ की वजह से इस फिल्म का स्केल है वो काफ़ी बड़े लेवल पर क्रिएट किया हुआ जो है जो ओरिजिनल वर्जन है उसके मुकाबले तो इस वजह से थोड़ा खर्चा और बढ़ा हुआ था अबू धाबी में उस शेड्यूल को करीबन सत्ताईस से तीस दिन शूट किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को लखनऊ में भी थोड़े दिन ले जाया गया था वहाँ पे भी कुछ पोर्स को कुछ को शूट किया हुआ था सैफ अली खान ने अपने पोर्स को उसी मन जब दिसंबर के महीने में 2021 में फिल्म की आखिरी शूटिंग चल रही थी लखनऊ में वहां पे उनका पोर्सन उन्होंने कंप्लीट किया हुआ था राधिका आप्टे को करीबन दस दिन का शेड्यूल था उनके पास तो उन्होंने छब्बीस अप्रैल दो में अपना शेड्यूल कम्पलीट किया हुआ था पूरी फिल्म को करीबन दस जून दो हजार बाईस को रेपअप किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी ने क्रिएट किया हुआ है ओरिजिनल में तो सेम सी ने सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर दोनों क्रिएट किया हुआ था और दोनों अव्वल दर्जे के निकले हुए थे जो टॉप टोपनोज का बी था वो फिल्म को और बेहतर बना रहा था जिस वजह से मेकर्स ने फैसला लिया कि इस फिल्म का बी चेंज नहीं करेंगे जरूर गाने हिंदी नेटिविटी के हिसाब से चेंज किए जाएंगे लेकिन बी सेम रहने वाला है जिस वजह से टीजर ट्रेलर में जो आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनने को मिल रहा है वो ओरिजिनल वर्जन से सेम टू सेम रखा हुआ है इसके अलावा

हिंदी फिल्मों के लिए उसके बाद में फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया उसको काफी ज्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और एक रीमेक फिल्म होने के बावजूद फिल्म का जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आया तब मेरा उसको अंदाजा लग गया कि ये फिल्म कितनी और बड़ी होने वाली है अब ये फिल्म रिलीज़ होने के लिए तैयार है जहाँ पे विक्रम वेधा को तीस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ करने का फैसला लिया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब देखने वाली बात ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जो तमिल का रीमेक है वो पता है तमिल में चल गई थी डब्ड वर्जन भी अच्छा खासा चला था लेकिन जो थिएटर ऑडियंस है वो इस फिल्म को कितना एक्सेप्ट करती है पुष्कर गायत्री ने क्या क्या चेंजेस किए हुए वो चेंजेस किस वे में जाते हैं वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फिल्म कितना लंबा रन लेगी उसके अलावा ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की जो एक क्टिंग है वो आर माधवन और साथ ही में विजय सेतुपति तो जो ओरिजिनल वर्जन है उसके मुकाबले कहाँ तक जाके पहुँचती है या अपना अलग अप्रोच रहता है वो अप्रोच कैसा होता है वो सभी चीज़ें अलग अलग फैक्टर फिल्म के लिए इफेक्ट कर सकते हैं बेटर वे में या तो नेगेटिव वे में अब ये सभी चीज़ें पता चलेगी फिल्म रिलीज होगी तब अब फिल्म 30 सितंबर 2022 को फिक्स की गई है तो अब देखने वाली बात ये है कि उस दिन तो वैसे ही बड़ी ओपनिंग मिलेगी ऋतिक रोशन और सैफ अली खान जैसे बड़े एक्टर अगर एक फिल्म में होंगे तो फिल्म आसानी से करीबन पचास करोड़ के आसपास की ओपनिंग तो लेने ही वाली है तो अब देखने वाली बात ये कि उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कितना बड़ा और बढ़िया मिलता है उसके बाद में वो सभी चीज़ें कितने बड़े लेवल पर कन्वर्ट होती है तभी पता चलेगा कि यह फिल्म किस लेवल पर कितनी बड़ी हिट होगी और अगर ये फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये लंबी

इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो वुड सिलेक्ट के पास है वहीं पे इस फिल्म के जो सेटेलाइट राइट्स से है वो कलर सिनेप्लेक्स के पास है जो दोनों प्लेटफॉर्म है वो ऑन करता है वाइकोमेटिन स्टूडियो तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के दो ढाई महीने के बाद वुड सिलेक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर या ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन विक्रम वेदा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो थिएट्रिकल रिलीज़ के लंबे समय के बाद टेलीविज़न चैनल कलर सिनेप्लेक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में विक्रम वेदा के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा इसके अलावा ये फिल्म तमिल फिल्म का रीमेक है जहाँ पे तमिल में भी इस फिल्म को विक्रम वेदा ही नाम दिया गया था तो नाम सेम रखा हुआ है तो तमिल वर्जन है जो विक्रम वेदा उसका हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमाइस वालों ने

तो इस तरह से इस फिल्म का ओरिजिनल और रिमेक दोनों वर्जन आप कहाँ पे कैसे देख सकते हो तो उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म का जो ओरिजिनल आइडिया है वो पुष्कर गायत्री का ही था क्योंकि जो तमिल वर्जन है जिसका ये रीमेक बना हुआ है वो भी पुष्कर गायत्री ने ही लिखा हुआ था और डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे डायलॉग थे वो के मणिकंदन के थे अदरवाइज विक्रम वेदा फिल्म को 2017 में तमिल लैंग्वेज में न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर के तौर पे ही रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में थे आरमाधवन विजय सेतुपति श्रद्धा श्रीनाथ और काथिर वारा लक्ष्मी शरद कुमार तो इतने चार पांच एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस फिल्म में लीड किरदार परफॉर्म किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के सभी कैरेक्टर को काफी सराहना मिली थी फिल्म के डायरेक्शन को सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम तो काफ़ी अव्वल दर्जे की है जिसको रीयूज भी किया हुआ है अभी रीमेक में तो ये सभी चीज़ें फिल्म की काफ़ी बेहतरीन जिससे एम सी एस का जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक था वो फिल्म को चार चांद लगा रहा था परफॉर्मेंसेस काफ़ी सोलिड थी विजय सेतुपति की परफॉर्मेंसेस को काफ़ी सराहना मिली हुई थी उसके बाद से उनको हिंदी ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पहचान मिली हुई थी क्योंकि जो तमिल वर्जन है वो ऑलरेडी हिंदी डब्ड वर्जन में काफ़ी समय पहले से ही अवेलेबल है जहाँ पर पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म के साथ एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी कल्ट क्लासिक न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म डिलीवर की हुई थी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते ग्यारह करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने करीबन बॉक्स ऑफिस पे तमिल लैंग्वेज में साठ से सत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदलत फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी उसके बाद फिल्म का जो तेलुगू तमसोरी तमिल वर्जन है उसको जी फाइव के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन को यूट्यूब पे गोल्ड माइंस के चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था और डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को भी अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से विक्रम वेदा फिल्म को आप सभी अलग अलग वर्जन के तमिल वर्जन को इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात करें इस दो की विक्रम वेदा के बारे में तो इस फिल्म को भी लिखा हुआ है पुष्कर गायत्री ने डिरेक्ट किया पुष्कर गायत्री ने स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग उनकी थी डायलॉग्स जरूर दूसरों ने लिखे हुए अदरवाइज बाकी सभी चीज़ें उनकी देखने को मिलेगी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस शशिकांत चक्रवर्ती रामचंद्र विवेक अग्रवाल पुसन कुमार तो ये टोटल पाँच प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को वाइनो स्टूडियो फ्राइडे फिल्म वर्कस रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज़ फिल्म और जियो स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म का बजट करीबन पौने दो सौ करोड़ है तो जो ओरिजिनल फिल्म बनी थी वो ग्यारह करोड़ की थी उसके सामने इस फिल्म को पौने दो सौ करोड़ में सेम कहानी को बनाया हुआ है अब देखने वाली बात ये है कि पौने दो सौ करोड़ उन्होंने कहाँ कहाँ लगाए हुए वो रिलीज के बाद पता चलेगा लीड कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे सैफ अली खान राधिका आप्टे रोहित सराफ योगिता बिहानी सारी भाषमी और सत्यदीप मिश्रा भी देखने को मिलेंगे जहां पर ऋतिक रोशन ने वेधा का रोल प्ले किया हुआ है सैफ अली खान ने विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है राधिका आप्टे आपको विक्रम की के वाइफ के रोल में दिखाई देंगे रोहित सराफ ने वेदा के भाई का रोल प्ले किया हुआ है योगिता बिहानी ने चंदा का रोल प्ले किया हुआ है सारी भाषमी ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है तो ये सभी किरदार है जो इंपॉर्टेंट है फिल्म के ये एक्टर्स ने प्ले किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एक गैंगस्टर और एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों के बीच के जो कुछ क्वेश्चन आंसर है एक तरह से विक्रम बेताल में किस तरह से आपने देखा था कि बेताल विक्रम को एक पजल दे देता दे है एक क्वेश्चन दे देता दे है बाद में उसको वो सोल्व करता है बस कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट लेके इस फिल्म की कहानी को मॉडर्न डे में सेट किया हुआ है जहाँ पे विक्रम एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है इसके अलावा वेदा है वो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है तो अब इन दोनों को किस तरह से एक फ्रेम में दिखाया है उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के सामने क्यों आते उसके पीछे क्या रीज़न है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है फिल्म का सस्पेंस है वो जिस तरह से डेवलप किया हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने वाली है क्योंकि मैंने ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है तो ये फिल्म का बेस पॉइंट तो सेम ही रहने वाला है थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे क्लाइमेक्स में या दूसरी जगह तो वो बात अलग है अदरवाइज़ मैंने कहा ठीक उसी तरह फिल्म की कहानी चलेगी इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी पी एस विनोद ने की हुई एडिटिंग रिचर्ड केविन ए ने की हुई म्यूजिक में बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो सैम सी एस का है जो ओरिजिनल फिल्म में बीजेएम दिया हुआ है वही बीजेम इसमें यूज़ किया हुआ है तो से सी एस को ही क्रेडिट दी गई है वहीं पे जो सॉन्ग्स है वो विशाल शेखर के सुनने को मिलेंगे अभी तक सॉन्ग्स प्रॉपर वे में आउट नहीं किए गए लेकिन आने वाले समय में ये सॉन्ग्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे जिसके राइट्स टी सीरीज के पास है म्यूज़िक के तो उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे के राइट्स रखे हुए वैसे तो वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी है फिल्म के और उन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए हैं तो आने वाले समय में आपको सभी गाने और टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है पीवीआर पिक्चर्स पेन मरुदकर होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट तो काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फिल्म को कितनी बड़ी स्क्रीन मिलने वाली है कितनी सारी स्क्रीनस मिलेगी और ये एक अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ज़रूर लेगी शायद हो सकता है कि इस फिल्म की ओपनिंग जो ऋतिक रोशन की वॉर फिल्म आई थी उससे भी ज़्यादा हो सकती है भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन ऋतिक रोशन का फैन बेस जिन्होंने विक्रम वेदा ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है उनके लिए ये एक काफ़ी फ्रेश और अच्छी खासी स्टोरी के साथ आने वाली बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है तो उनको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी अब बात ये है कि मेकरस तो वही ये पुष्कर गाए थे जिन्होंने बनाया हुआ था। अगर उन्होंने फिल्म में कुछ वो जाते तो पता तो सेम सेम है अगर लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है रीमेक ओरिजिनल के बीच में नहीं पढ़ते और कंटेंट देखने जाते भले ऋतिक रोशन से फली खान के फैन हो या फिर न्यूट्रल ऑडियंस हो जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है, तो उनको ये फिल्म जरूर पसंद आने वाली क्योंकि मैंने टीजर ट्रेलर देखा है वहां तक अंदाजा लग रहा है कि जो सेट डिज़ाइन वहाँ पे किए गए थे सेम सेट डिज़ाइन यहीं पे यूज़ किए हुए है वैसे ही क्रिएट किए हुए हैं लोकेशन भी लगभग लगभग सेम है सिर्फ जो नेटिविटी है तमिल नेटिविटी के हिसाब से कहानी को डेवलप किया हुआ था इधर ये इन सभी चीज़ों को यूपी बिहार इस एरिया के साइड दिखाया हुआ है तो जिस वजह से थोड़ी नेटिविटी में चेंज होगा तो थोड़ी स्लेंग में चेंज होगा तो वो सभी चीज़ें माइन चेंजेस देखने को मिलेंगे बाकी जो एक्चुअल स्टोरी है वो सेम है तो जिसके बदौलत ये फिल्म आपको अगर नहीं देखी हुई ओरिजिनल वर्जन तो जरूर कनेक्ट करने वाली है अब डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म को मार्च 2018 में पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया हुआ था कि वो इस रिमेक को डायरेक्ट करने वाले थे रिमेक राइट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके थे जहां पे कुछ करार के थ्रू सोल्ड आउट किए गए थे जहाँ पे वाइनो स्टूडियो जो ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस है तमिल वर्जन का उन्होंने कहा था कि वो इस फिल्म में भी पैसे लगाएंगे और इक्वल शेयर करेंगे वहीं दूसरे को प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे फ्राइडे फिल्म वर्क टी सीरीज फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट वो सभी लोग मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे जहाँ पे फिल्म का बजट पौने दो करोड़ तक पहुँच गया था नीरज पांडे इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर है वहीं पे पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया कि इस फिल्म की रीमेक है वो और भी ग्रीटी टोन के साथ हम आपको दिखाने वाले जो ओरिजिनल में आपको जितना भी ग्रीटी मैनर देखने को मिला है उससे कहीं ज़्यादा हम इस फिल्म में आपको ऐड करके दिखाएंगे तो थोड़े चेंजेस आप ज़रूर एक्सपेक्ट कीजिएगा बाकी कोर पॉइंट है वो सेम रहेगा ओरिजिनल मटीरियल है जो लिखा हुआ है उसमें ज़्यादातर हम चेंजेस करने नहीं वाले तो वही सब चीज़ें आपको जरूर देखने को मिलेगी लेकिन जो ऐसे पॉइंट है जिसको हम थोड़ा बेटर वे में कर सकते हैं तो वो हम जरूर चेंज करके आपको दिखाने वाले तो आपने जो बेताल पच्ची सी देखी होगी या विक्रम बेताल की जो कहानी देखी होगी उसी फोकटेल को थोड़ा इंटरेस्टिंग मैनर में मॉडर्न टाइम के साथ उन्होंने इस फिल्म की कहानी में दिखाया हुआ है जो अभी तक हिंदी सिनेमा में आपको देखने को नहीं मिला है वैसे डब्ड वर्जन आपने अगर देखा है विक्रम बेता का तो बात अलग है अदरवाइज हिंदी सिनेमा में इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा था कि शाहरुख खान को इस फिल्म में वेदा का रोल अप्रोच किया गया था लेकिन बाद में कंफर्म किया गया कि सैफ अली खान और आमिर खान इस किरदार को प्ले करेंगे जहाँ पे सैफ अली खान विक्रम का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है वहीं पे वेदा एक गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाले गैंगस्टर वेदा का रोल है वो आमिर खान प्ले करेंगे लेकिन सैफ अली खान का जो विक्रम के लिए जो तो उनको सरताज सिंकर का जो किरदार प्ले किया हुआ था उन्होंने सेक्रेट गेम्स में तो वहीं से उनको चूज़ किया गया था अदरवाइज पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म में चाह था कि आर माधवनी वो रोल अपना रोल रिप्रेस करे लेकिन उनके रोक्रेटरी द नंबी इफेक्ट वाली फिल्म है उसके साथ उस फिल्म का कनेक्शन हो रहा था तो उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसकी बदौलत दोनों चीज़ें मैच हो रही थी डेट नहीं सेम डेट सेम हो रही थी जिसकी वजह से आर माधवन ने वो फिल्म करने से मना कर दी उसके बाद सैफ अली खान को रोल दिया गया वहीं पे आमिर खान को पहले लेने वाले थे दिसंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई तब पता चला कि ऋतिक रोशन ने उसका मेन रीज़न ऐसा बताया जा रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट के लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस डायरेक्टर और एक्टर के बीच में हुए जिसकी वजह से ऋतिक रोशन ने इस रोल को निभाने के लिए हाँ कर दिया जहाँ पे बाद में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की पेर कंफर्म की गई ना तुम जानो ना हम करके 2002 की फिल्म आई थी उसके बाद ये सेकंड टाइम वो कोलोब्रेशन करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे वेदा कानपुर का एक किरदार दिखाया हुआ है तो जहाँ पे वो अवधि एक्शन स्पीक कर स्पीक करते हुए नज़र आएंगे उसके बाद में जुलाई राधिका जुलाई में आजादिकाप्टे को साइन कर लिया गया जहाँ पे वो विक्रम की लोअर की वाइफ कर और विक्रम के विक्रम की लॉयर की वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे लॉयर वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे रोहित सर आपको इस फिल्म में वेदा के भाई के लिए साइन किया गया था उसी मंथ में उसके बाद में नवंबर 2021 में सारी बात ने कंफर्म किया कि वो बबलू का रोल प्ले करेंगे मार्च 2022 में योगिता बिहानी ने चूज़ किया कि वो एक चंदा के रोल में उनको चूज़ किया गया था तो इस तरह से कास्टिंग की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की फरवरी दो में स्टार्ट की गई थी जहाँ पर पहले बताया गया था कि इस फिल्म में आमिर खान देखने को मिलेंगे कास्ट उसके बाद में तो ऋतिक रोशन ने उनको जून 2021 में रिप्लेस कर लिया बाद में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी 15 अक्टूबर से उसी साल बाद में फिल्म की कहानी को जो भले कानपुर का और का उस एरिया का दिखाया हुआ है लेकिन वो पूरे सेट को यूएई में यानी कि अबू धाबी में क्रिएट किया हुआ था और वहीं से फिल्म की ओरिजिनल शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे टाइगर जिंदा का जो सेट वहाँ पे लगाया हुआ था उसी सेट को थोड़ा रिकन्स्ट्रक्ट करके वहाँ पे लखनऊ और कानपुर का एक सेट क्रिएट करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी थोड़ा बहुत जो खर्चा आपको देखने को मिल रहा है पौने दो करोड़ का बजट वो उसी चीज़ की वजह से इस फिल्म का स्केल है। वो काफ़ी बड़े लेवल पर क्रिएट किया हुआ है जो ओरिजिनल वर्जन है उसके मुकाबले तो इस वजह से थोड़ा खर्चा और बढ़ा हुआ था अबू धाबी में उस शेड्यूल को करीबन सत्ताईस से तीस दिन शूट किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को लखनऊ में भी थोड़े दिन ले जाया गया था वहाँ पे भी कुछ सीस को कुछ पोर्स को शूट किया हुआ था सैफ अली खान ने अपने पोर्सन को उसी मन जब दिसंबर के महीने में दो में फिल्म की आखिरी शूटिंग चल रही थी लखनऊ में वहां पर उनका पोर्सन उन्होंने कम्पलीट किया हुआ था राधिका आप्टे को करीबन दस दिन का शेड्यूल था उनके पास तो उन्होंने छब्बीस अप्रैल दो में अपना शेड्यूल कम्पलीट किया हुआ था पूरी फिल्म को करीबन दस जून दो हजार बाईस को रेपअप किया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी ने क्रिएट किया हुआ है ओरिजिनल में तो सेम सी ने सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर दोनों क्रिएट किया हुआ था और दोनों अव्वल दर्जे के निकले हुए थे जो टॉप टोपनोज का बी था वो फिल्म को और बेहतर बना रहा था जिस वजह से मेकर्स ने फैसला लिया कि इस फिल्म का बी चेंज नहीं करेंगे ज़रूर गाने हिंदी नेटिविटी के हिसाब से चेंज किए जाएंगे लेकिन बीजेम सेम रहने वाला है जिस वजह से टीजर ट्रेलर में जो आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनने को मिल रहा है वो ओरिजिनल वर्जन से सेम टू सेम रखा हुआ है इसके अलावा

हिंदी फिल्मों के लिए उसके बाद में फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया उसको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और एक रीमेक फिल्म होने के बावजूद फिल्म का जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आया तब मेगा को अंदाज़ा लग गया कि ये फिल्म कितनी और बड़ी होने वाली है अब ये फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है जहाँ पे विक्रम वेधा को तीस सेप्टेम्बर दो को रिलीज करने का फैसला लिया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब देखने वाली बात यह है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जो तमिल का रीमेक है वो पता है तमिल में चल गई थी डब्ड वर्जन भी अच्छा खासा चला था लेकिन जो थिएटर ऑडियंस है वो इस फिल्म को कितना एक्सेप्ट करती है पुष्कर गायत्री ने क्या क्या चेंजेस किए हुए वो चेंजेस किस वे में जाते हैं वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फ़िल्म कितना लंबा रन लेगी उसके अलावा ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की जो एक्टिंग है वो आर माधवन और साथ ही में विजय सेतुपति तो जो ओरिजिनल वर्जन है उसके मुकाबले कहाँ तक जाके पहुँचती है या अपना अलग अप्रोच रहता है वो अप्रोच कैसा होता है वो सभी चीज़ें अलग अलग फैक्टर फिल्म के लिए इफेक्ट कर सकते हैं बेटर वे में या तो नेगेटिव वे में अब ये सभी चीज़ें पता चलेगी फिल्म रिलीज होगी तब अब फिल्म 30 सितंबर 2022 को फिक्स की गई है तो अब देखने वाली बात यह कि उस दिन तो वैसे ही बड़ी ओपनिंग मिलेगी ऋतिक रोशन और सैफ अली खान जैसे बड़े एक्टर अगर एक फिल्म में होंगे तो फिल्म आसानी से करीबन पचास करोड़ के आसपास की ओपनिंग तो लेने ही वाली है तो अब देखने वाली बात ये कि उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कितना बड़ा और बढ़िया मिलता है उसके बाद में वो सभी चीज़ें कितने बड़े लेवल पर कन्वर्ट होती है तभी पता चलेगा कि फिल्म किस लेवल पर कितनी बड़ी हिट होगी और अगर ये फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये लंबी का घोड़ा निकलेगी फिल्म लंबी रन लेगी लंबा रन लेने के बाद ये फिल्म आसानी से पौने दो करोड़ के बजट में बनी हुई है उसके सामने चार सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि जिसने जितने भी मैंने पॉइंट बताए उस पॉइंट में फिल्म कितनी खरी उतरती है अब हम बात करें इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ और सेटेलाइट राइट्स से, है वो वाईकॉम एटीन स्टूडियो ने ही खरीदे हुए जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो वुड सिलेक के पास है वहीं पे इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स के पास है जो दोनों प्लेटफॉर्म है वो ऑन करता है वाईकॉम एटीन स्टूडियो तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज़ के दो ढाई महीने के बाद वुड सिलेक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर या ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन विक्रम वेदा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविजन वर्जन है वो थिएट्रिकल रिलीज के लंबे समय के बाद टेलीविजन चैनल कलर सीनेप्लेक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में विक्रम वेदा के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा इसके अलावा ये फिल्म तमिल फिल्म का रीमेक है जहाँ पे तमिल में भी इस फिल्म को विक्रम वेदा ही नाम दिया गया था तो नाम सेम रखा हुआ है तो तमिल वर्जन है जो विक्रम वेदा उसका हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमाइस वालों ने

तो इस तरह से इस फिल्म का ओरिजिनल और रिमेक दोनों वर्जन आप कहाँ पे कैसे देख सकते हो तो उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी विक्रम वेदा जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म का जो ओरिजिनल आइडिया है वो पुष्कर गायत्री का ही था क्योंकि जो तमिल वर्जन है जिसका ये रिमेक बना हुआ है वो भी पुष्कर गायत्री ने ही लिखा हुआ था और डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे डायलॉग थे वो के मणिकंदन के थे अदरवाइज विक्रम वेदा फिल्म को 2017 में तमिल लैंग्वेज में न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर के तौर पे ही रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में थे आर माधवन विजय सेतुपति श्रद्धा श्रीनाथ और काथिर वारा लक्ष्मी शरद कुमार तो इतने चार पांच एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस फिल्म में लीड किरदार परफॉर्म किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के सभी कैरेक्टर को काफ़ी सराहना मिली थी फिल्म के डायरेक्शन को सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम तो काफ़ी अव्वल दर्जे की है जिसको रीयूज भी किया हुआ है अभी रीमेक में तो ये सभी चीज़ें फिल्म की काफ़ी बेहतरीन थी सी एम सी एस का जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक था वो फिल्म को चार चांद लगा रहा था परफॉर्मेंसेस काफ़ी सोलिड थी विजय सेतुपति की परफॉर्मेंसेस को काफ़ी सराहना मिली हुई थी उसके बाद से उनको हिंदी ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पहचान मिली हुई थी क्योंकि जो तमिल वर्जन है वो ऑलरेडी हिंदी डब्ड वर्जन में काफ़ी समय पहले से ही अवेलेबल है जहाँ पर पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म के साथ एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी कल्ट क्लासिक न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म डिलीवर की हुई थी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते ग्यारह करोड़ के बजट में इस फिल्म ने करीबन बॉक्स ऑफिस पे तमिल लैंग्वेज में साठ से सत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदौलत एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी उसके बाद फिल्म का जो तेलगू सॉरी तमिल वर्जन है उसको जी फाइव के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन को यूट्यूब पे गोल्ड माइन्स के चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था और डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को भी अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से विक्रम वेदा फिल्म को आप सभी अलग अलग वर्जन के तमिल वर्जन को इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात करें इस दो की विक्रम वेदा के बारे में तो इस फिल्म को भी लिखा हुआ है पुष्कर गायत्री ने डिरेक्ट किया पुष्कर गायत्री ने स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग उनकी थी डायलॉग्स जरूर दूसरों ने लिखे हुए अदरवाइज बाकी सभी चीजें उनकी देखने को मिलेगी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस शशिकांत चक्रवर्ती रामचंद्र विवेक अग्रवाल पुसन कुमार तो ये टोटल पांच प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को वाइनो स्टूडियो फ्रा, फ्राइडे फिल्म वर्क्स रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज फिल्म और जियो स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बजट करीबन पौने दो सौ करोड़ है तो जो ओरिजिनल फिल्म बनी थी वो ग्यारह करोड़ की थी उसके सामने इस फिल्म को पौने दो सौ करोड़ में सेम कहानी को बनाया हुआ है अब देखने वाली बात ये है कि पौने दो सौ करोड़ उन्होंने कहाँ कहाँ लगाए हुए वो रिलीज के बाद पता चलेगा लीड कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे सैफ अली खान राधिका आप्टे रोहित सराफ योगिता बिहानी सारी भाषमी और सत्यदीप मिश्रा भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे ऋतिक रोशन ने वेदा का रोल प्ले किया हुआ है सैफ अली खान ने विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है राधिका आप्टे आपको विक्रम के वाइफ के रोल में दिखाई देंगी रोहित सराफ ने वेदा के भाई का रोल प्ले किया हुआ है योगिता बिहानी ने चंदा का रोल प्ले किया हुआ है सारी भाषमी ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है तो ये सभी किरदार है जो इंपॉर्टेंट किरदार है फिल्म के ये एक्टर्स ने प्ले किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एक गैंगस्टर और एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों के बीच के जो कुछ क्वेश्चन आंसर है एक तरह से विक्रम बेताल में किस तरह से आपने देखा था कि बेताल विक्रम को एक पजल दे देता है क्वेश्चन दे देता है दे 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 बाद में उसको वो सोल्व करता है बस कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट लेके इस फिल्म की कहानी को मॉडर्न डे में सेट किया हुआ है जहाँ पे विक्रम एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है इसके अलावा वेदा है वो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है तो अब इन दोनों को किस तरह से एक फ्रेम में दिखाया है उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के सामने क्यों आते है उसके पीछे क्या रीज़न है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है फिल्म का सस्पेंस है वो जिस तरह से डेवलप किया हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने वाली है क्योंकि मैंने ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है तो ये फिल्म का बेस पॉइंट तो सेम ही रहने वाला है थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे क्लाइमेक्स में या दूसरी जगह तो वो बात अलग है अदरवाइज मैंने कहा ठीक उसी तरह फिल्म की कहानी चलेगी इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी पी एस विनोद ने किए हुए एडिटिंग रिचर्ड केविन ए ने किए हुए म्यूजिक में बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो सीएमसीएस का है जो ओरिजिनल फिल्म में बीजेएम दिया हुआ है वही बीजेम इसमें यूज़ किया हुआ है तो सीएमसीएस को ही क्रेडिट दी गई है वहीं पे जो सॉन्ग्स है वो विशाल शेखर के सुनने को मिलेंगे अभी तक सॉन्ग्स प्रॉपर वे में आउट नहीं किए गए लेकिन आने वाले समय में ये सॉन्ग्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे जिसके राइट्स टी सीरीज के पास है म्यूजिक के तो उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे के राइट्स रखे हुए वैसे तो वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी है फिल्म के और उन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए तो आने वाले समय में आपको सभी गाने और टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है पी आर, पिक्चर्स पेन मरुद होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट तो काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फिल्म को कितनी बड़ी स्क्रीन मिलने वाली है कितनी सारी स्क्रीन मिलेगी और ये एक अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ज़रूर लेगी शायद हो सकता है कि इस फिल्म की ओपनिंग जो ऋतिक रोशन की वॉर फिल्म आई थी उससे भी ज़्यादा हो सकती है भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन ऋतिक रोशन का फैन बेस जिन्होंने विक्रम वेदा ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है उनके लिए ये एक काफ़ी फ्रेश और अच्छी खासी स्टोरी के साथ आने वाली बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है तो उनको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी अब बात ये है कि मेकरस तो वही है पुष्कर गाए थे जिन्होंने ओरिजिनल बनाया हुआ था अगर उन्होंने फिल्म में कुछ चेंजेस किए वो सही जाते तो पता लगे अगर वो थोड़े अगेंस्ट गए तो फ्लॉप होने के चांसेस है फिल्म के अदरवाइज अगर सेम टू सेम बनाया हुआ है अगर लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है रीमेक ओरिजिनल के बीच में नहीं पढ़ते और कंटेंट देखने जाते भले ऋतिक रोशन से फली खान के फैन हो या फिर न्यूट्रल ऑडियंस हो जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो उनको ये फिल्म जरूर पसंद आने वाली क्योंकि मैंने टीजर ट्रेलर देखा है वहां तक अंदाजा लग रहा है कि जो सेट डिज़ाइन वहाँ पे किए गए थे सेम सेट डिज़ाइन यहीं पे यूज़ किए हुए वैसे ही क्रिएट किए हुए हैं लोकेशन भी लगभग लगभग सेम है सिर्फ जो नेटिविटी है तमिल नेटिविटी के हिसाब से कहानी को डेवलप किया हुआ था इधर ये इन सभी चीज़ों को आ, यूपी बिहार इस एरिया के साइड दिखाया हुआ है तो जिस वजह से थोड़ी नेटिविटी में चेंज होगा तो थोड़ी स्लेंग में चेंज होगा तो वो सभी चीज़ें माइन चेंजेस देखने को मिलेंगे बाकी जो एक्चुअल स्टोरी है वो सेम है तो जिसके बदौलत ये फिल्म आपको अगर नहीं देखी हुई ओरिजिनल वर्जन तो जरूर कनेक्ट करने वाली है अब डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म को मार्च 2018 में पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया हुआ था कि वो इस रिमिक को डायरेक्ट करने वाले थे राइट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके थे जहाँ पे कुछ करार के थ्रू सोल्ड आउट किए गए थे जहाँ पे वाइनो स्टूडियो जो ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस है तमिल वर्जन का उन्होंने कहा था कि वो इस फिल्म में भी पैसे लगाएंगे और इक्वल शेयर करेंगे वहीं दूसरे को प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे फ्राइडे फिल्म वर्क टी सीरीज़ फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट वो सभी लोग मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे जहाँ पे फिल्म का बजट पौने दो सौ करोड़ तक पहुँच गया था नीरज पांडे इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर है वहीं पे पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया कि इस फिल्म की रीमेक है वो और भी ग्रीटी टोन के साथ हम आपको दिखाने वाले जो ओरिजिनल में आपको जितना भी ग्रीटी मैनर देखने को मिला है उससे कहीं ज़्यादा हम इस फिल्म में आपको ऐड करके दिखाएंगे तो थोड़े चेंजेस आप ज़रूर एक्सपेक्ट कीजिएगा बाकी कोर पॉइंट है वो सेम रहेगा ओरिजिनल मटीरियल है जो लिखा हुआ है उसमें ज़्यादातर हम चेंजेस करने नहीं वाले तो वही सब चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी लेकिन जो ऐसे पॉइंट है जिसको हम थोड़ा बेटर वे में कर सकते हैं तो वो हम ज़रूर चेंज करके आपको दिखाने वाले तो आपने जो बेताल पच्ची ही देखी होगी या विक्रम बेताल की जो कहानी देखी होगी उसी फोकटेल को थोड़ा इंटरेस्टिंग मैनर में मॉडर्न टाइम के साथ उन्होंने इस फिल्म की कहानी में दिखाया हुआ है जो अभी तक हिंदी सिनेमा में आपको देखने को नहीं मिला है वैसे डब्ड वर्जन आपने अगर देखा है विक्रम बेता का तो बात अलग है अदरवाइज हिंदी सिनेमा में इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा था कि शाहरुख खान को इस फिल्म में वेदा का रोल अप्रोच किया गया था लेकिन बाद में कंफर्म किया गया है कि सैफ अली खान और आमिर खान इस किरदार को प्ले करेंगे जहाँ पे सैफ अली खान विक्रम का रोल प्ले कर रहे जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है वहीं पे वेदा एक गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाले गैंगस्टर वेदा का रोल है वो आमिर खान प्ले करेंगे लेकिन सैफ अली खान का जो विक्रम के लिए जो तो उनको सरताज सिंहकर का जो किरदार प्ले किया हुआ था उन्होंने सेक्रेट गेम्स में तो वहीं से उनको चूज़ किया गया था अदरवाइज पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म में चाह था कि आर माधवनी वो रोल अपना रोल रिप्लेस करे लेकिन उनकी रोकटरी द नंबी इफेक्ट वाली फिल्म है उसके साथ उस फिल्म का कनेक्शन हो रहा था तो उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसकी बदौलत दोनों चीजें मैच हो रही थी डेट नहीं सेम डेट सेम हो रही थी जिसकी वजह से आर माधवन ने वो फिल्म करने से मना कर दी उसके बाद सैफ अली खान को रोल दिया गया वहीं पे आमिर खान को पहले लेने वाले थे दिसंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई तब पता चला कि ऋतिक रोशन ने उसका मेन रीज़न ऐसा बताया जा रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट के लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस डायरेक्टर और एक्टर के बीच में हुए जिसकी वजह से ऋतिक रोशन ने इस रोल को निभाने के लिए हा कर दिया जहाँ पे बाद में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की पेर कंफर्म की गई ना तुम जानो ना हम करके 2002 की फिल्म आई थी उसके बाद ये सेकंड टाइम वो कोलोब्रेशन करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे वेदा कानपुर का एक किरदार दिखाया हुआ है तो जहाँ पे वो अवधि एक्सेंट स्पीक कर स्पीक करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में जुलाई राधिका जुलाई में आजादिकाप्टे को साइन कर लिया गया जहाँ पे वो विक्रम की लोअर की वाइफ का और विक्रम के विक्रम की लॉयर की वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे लॉयर वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे रोहित सर आपको इस फिल्म में वेदा के भाई के लिए साइन किया गया था उसी मंथ में उसके बाद में नवंबर 2021 में सारी बास मैंने कंफर्म किया कि वो बबलू का रोल प्ले करेंगे मार्च 2022 में योगिता बिहानी ने चूज़ किया कि वो एक चंदा के रोल में उनको चूज किया गया था तो इस तरह से कास्टिंग की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की फरवरी दो में स्टार्ट की गई थी जहाँ पे पहले बताया गया था कि इस फिल्म में आमिर खान देखने को मिलेंगे कास्ट में उसके बाद में तो ऋतिक रोशन जून दो जून इक्कीस में रिप्लेस कर लिया बाद में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी पंद्रह अक्टूबर से उसी साल बाद में फिल्म की कहानी को जो भले ही का, कानपुर का और उस एरिया का दिखाया हुआ है लेकिन वो पूरे सेट को में यानी अबू धाबी में क्रिएट किया हुआ था और वहीं से फिल्म की ओरिजिनल शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे टाइगर जिंदा का जो सेट वहाँ पे लगाया हुआ था उसी सेट को थोड़ा रिकन्स्ट्रक करके वहाँ पे लखनऊ और कानपुर का एक सेट क्रिएट करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी थोड़ा बहुत जो खर्चा आपको देखने को मिल रहा है पौने दो करोड़ का बजट वो उसी चीज़ की वजह से इस फिल्म का स्केल है वो काफ़ी बड़े लेवल पर क्रिएट किया हुआ है जो ओरिजिनल वर्जन है उसके मुकाबले तो इस वजह से थोड़ा खर्चा और बढ़ा हुआ था अबू धाबी में उस शेड्यूल को करीब सत्ताईस से तीस दिन शूट किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को खनऊ में भी थोड़े दिन ले जाया गया था वहाँ पे भी कुछ सीस को कुछ पोर्स को शूट किया हुआ था सैफ अली खान ने अपने पोर्संस को उसी मन जब दिसंबर के महीने में दो में फिल्म की आखिरी शूटिंग चल रही थी लखनऊ में वहाँ पे उनका पोर्सन उन्होंने कम्प्लीट किया हुआ था राधिका आप्टे को करीबन दस दिन का शेड्यूल था उनके पास तो उन्होंने छब्बीस अप्रैल दो में अपना शेड्यूल कम्पलीट किया हुआ था पूरी फिल्म को करीबन दस जून दो हजार बाईस को रेपअप किया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी एस ने क्रिएट किया हुआ है ओरिजिनल में तो सेम सी एस ने सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर दोनों क्रिएट किया हुआ था और दोनों अव्वल दर्जे के निकले हुए थे जो टॉप टोपनोज का बी जी एम था वो फिल्म को और बेहतर बना रहा था जिस वजह से मेकर्स ने फैसला लिया कि इस फिल्म का बी जी एम चेंज नहीं करेंगे ज़रूर गाने हिंदी नेटिविटी के हिसाब से चेंज किए जाएंगे लेकिन बी जी एम सेम रहने वाला है जिस वजह से टीजर ट्रेलर में जो आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनने को मिल रहा है वो ओरिजिनल वर्जन से सेम टू सेम रखा हुआ है इसके अलावा

हिंदी फिल्मों के लिए उसके बाद में फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया उसको काफ़ी ज्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और एक रीमेक फिल्म होने के बावजूद फिल्म का जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आया तब मेरा उसको अंदाजा लग गया कि ये फिल्म कितनी और बड़ी होने वाली है अब ये फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है जहाँ पे विक्रम वेधा को 30 सितंबर 2022 को रिलीज करने का फैसला लिया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब देखने वाली बात ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जो तमिल का रीमेक है वो पता है तमिल में चल गई थी डब्ड वर्जन भी अच्छा खासा चला था लेकिन जो थिएटर ऑडियंस है वो इस फिल्म को कितना एक्सेप्ट करती है पुष्कर गायत्री ने क्या क्या चेंजेस किए हुए वो चेंजेस किस वे में जाते हैं वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फ़िल्म कितना लंबा रन लेगी उसके अलावा ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की जो एक्टिंग है वो आर माधवन और साथ ही में विजय सेतुपति तो जो ओरिजिनल वर्जन है उसके मुकाबले कहाँ तक जाके पहुँचती है या अपना अलग अप्रोच रहता है वो अप्रोच कैसा होता है वो सभी चीज़ें अलग अलग फैक्टर फिल्म के लिए इफेक्ट कर सकते हैं बेटर वे में या तो नेगेटिव वे में अब ये सभी चीज़ें पता चलेगी फिल्म रिलीज होगी तब अब फिल्म 30 सितंबर 2022 को फिक्स की गई है अब देखने वाली बात ये कि उस दिन तो वैसे ही बड़ी ओपनिंग मिलेगी ऋतिक रोशन और सैफ अली खान जैसे बड़े एक्टर अगर एक फिल्म में होंगे तो फिल्म आसानी से करीबन पचास करोड़ के आसपास की ओपनिंग तो लेने ही वाली है तो अब देखने वाली बात यह है कि उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कितना बड़ा और बढ़िया मिलता है उसके बाद में वो सभी चीज़ें कितने बड़े लेवल पर कन्वर्ट होती है तभी पता चलेगा कि फिल्म किस लेवल पर कितनी बड़ी हिट होगी और अगर ये फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये लंबी रेस का घोड़ा निकलेगी फिल्म लंबी रन लेगी लंबा रन लेने के बाद ये फिल्म आसानी से पौने दो सौ करोड़ के बजट में बनी हुई है उसके सामने चार सौ पाँच सौ करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि जिसने जितने भी मैंने पॉइंट बताए उस पॉइंट में ये फिल्म कितनी खरी उतरती है अब हम बात करें इस फिल्म के ओ -टी -टी और सेटेलाइट के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ -टी -टी और सेटेलाइट राइट्स से, है वो वाईकॉम एटीन स्टूडियो ने ही खरीदे हुए जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो वुड सिलेक के पास है वहीं पर इस फिल्म के जो सेटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स के पास है जो दोनों प्लेटफॉर्म है वो ऑन करता है वाईकॉम स्टूडियो तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के दो ढाई महीने के बाद वुड सिलेक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर या ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्सन विक्रम वेदा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविजन वर्जन है वो थिएट्रिकल रिलीज के लंबे समय के बाद टेलीविजन चैनल कलर सिनेप्लेक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में विक्रम वेदा के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा इसके अलावा ये फिल्म तमिल फिल्म का रीमेक है जहाँ पे तमिल में भी इस फिल्म को विक्रम वेदा ही नाम दिया गया था तो नाम सेम रखा हुआ है तो तमिल वर्जन है जो विक्रम वेदा उसका हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमाइस वालों ने

वहीं पे जो टेलीविजन वर्जन है वो कलर चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे वो थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद करीबन पांच सात महीनों के बाद देखने को मिलने वाला है जो वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से हिंदी वर्जन इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे जो तमिल वर्जन है उसका जो डब्ड वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में हिंदी डब्ड वर्जन में डबिंग अच्छी है उसे भी आप इन्जॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का ओरिजिनल और रिमेक दोनों वर्जन आप कहां पे कैसे देख सकते हो तो उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी विक्रम वेदा जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यूर न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म का जो ओरिजिनल आइडिया है वो पुष्कर गायत्री का ही था क्योंकि जो तमिल वर्जन है जिसका ये रीमेक बना हुआ है वो भी पुष्कर गायत्री ने ही लिखा हुआ था और डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे डायलॉग थे वो के मणिकंदन के थे अदरवाइज विक्रम वेदा फिल्म को 2017 में तमिल लैंग्वेज में न्यूर न्यूर एक्शन थ्रिलर के तौर पे ही रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में थे आर माधवन विजय सेतुपति श्रद्धा श्रीनाथ और काथिर वारा लक्ष्मी शरद कुमार तो इतने चार पांच एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस फिल्म में लीड किरदार परफॉर्म किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के सभी कैरेक्टर को काफ़ी सराहना मिली थी फिल्म के डायरेक्शन को सिनेमेटोग्राफी बीजीएम तो काफ़ी अव्वल दर्जे की है जिसको री भी किया हुआ है अभी रीमेक में तो ये सभी चीज़ें फिल्म की काफ़ी बेहतरीन जिससे एम सी एस का जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक था वो फिल्म को चार चांद लगा रहा था परफॉर्मेंसेस काफ़ी सोलिड थी विजय सेतुपति की परफॉर्मेंसेस को काफ़ी सराहना मिली हुई थी उसके बाद से उनको हिंदी ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पहचान मिली हुई थी क्योंकि जो तमिल वर्जन है वो ऑलरेडी हिंदी डब्ड वर्जन में काफ़ी समय पहले से ही अवेलेबल है जहाँ पर पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म के साथ एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी कल्ट क्लासिक न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म डिलीवर की हुई थी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते ग्यारह करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने करीबन बॉक्स ऑफिस पे तमिल लैंग्वेज में 60 से 70 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके बदौलत ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी उसके बाद फिल्म का जो तिल गौतम सॉरी तमिल वर्जन है उसको जी5 के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन को YouTube पे Golmaish के चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था और डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को भी अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से विक्रम वेदा फिल्म को आप सभी अलग अलग वर्जन के तमिल वर्जन को इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात करें इस दो की विक्रम वेदा के बारे में तो इस फिल्म को भी लिखा हुआ है पुष्कर गायत्री ने डायरेक्ट किया पुष्कर गायत्री ने स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग उनकी थी डायलॉग्स जरूर दूसरों ने लिखे हुए अदरवाइज बाकी सभी चीजें उनकी देखने को मिलेगी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस शशिकांत चक्रवर्ती रामचंद्र विवेक अग्रवाल भूषण कुमार तो ये टोटल पाँच प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को वाइनो स्टूडियो फ्रा, फ्रा, फ्राइडे फिल्म वर्क रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज फिल्म्स और जियो स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का बजट करीबन पौने दो सौ करोड़ है तो जो ओरिजिनल फिल्म बनी थी वो ग्यारह करोड़ की थी उसके सामने इस फिल्म को पौने दो करोड़ में सेम कहानी को बनाया हुआ है अब देखने वाली बात यह है कि पौने दो करोड़ उन्होंने कहाँ कहाँ लगाए हुए वो रिलीज के बाद पता चलेगा लीड कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे सैफ अली खान राधिका आप्टे रोहित सराफ योगिता बिहानी सारी भाषमी और सत्यदीप मिश्रा भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर ऋतिक रोशन ने वेदा का रोल प्ले किया हुआ है सैफ अली खान ने विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है राधिका आप्टे आपको विक्रम के वाइफ के रोल में दिखाई देंगी रोहित सराफ ने वेदा के भाई का रोल प्ले किया हुआ है योगिता बिहानी ने चंदा का रोल प्ले किया हुआ है सारी भाषमी ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है तो ये सभी किरदार है जो इंपॉर्टेंट किरदार है फिल्म के ये एक्टर्स ने प्ले किए हुए जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एक गैंगस्टर और एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों के बीच के जो कुछ क्वेश्चन आंसर है एक तरह से विक्रम बेताल में किस तरह से आपने देखा था कि बेताल विक्रम को एक पजल दे देता दे है एक क्वेश्चन दे देता दे है बाद में उसको वो सोल्व करता है बस कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट लेके इस फिल्म की कहानी को मॉडर्न डे में सेट किया हुआ है जहाँ पे विक्रम एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है इसके अलावा वेदा है वो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है तो अब इन दोनों को किस तरह से एक फ्रेम में दिखाया है उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के सामने क्यों आते उसके पीछे क्या रीज़न है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है फिल्म का सस्पेंस है वो जिस तरह से डेवलप किया हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने वाली है क्योंकि मैंने ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है तो ये फिल्म का बेस पॉइंट तो सेम ही रहने वाला है थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे क्लाइमेक्स में या दूसरी जगह तो वो बात अलग है अदरवाइज मैंने कहा ठीक उसी तरह फिल्म की कहानी चलेगी इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी पी एस विनोद ने किए हुए एडिटिंग रिचर्ड केविन ए ने किए हुए म्यूजिक में बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी एस का है जो ओरिजिनल फिल्म में बीजेएम दिया हुआ है वही बीजेम इसमें यूज़ किया हुआ है तो सेम सी एस को ही क्रेडिट दी गई है वहीं पे जो सॉन्ग्स है वो विशाल शेखर के सुनने को मिलेंगे अभी तक सॉन्ग्स प्रॉपर वे में आउट नहीं किए गए लेकिन आने वाले समय में ये सॉन्ग्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जिसके राइट्स टी सीरीज के पास है म्यूज़िक के तो उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे के राइट्स रखे हुए वैसे तो वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी है फिल्म के और उन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अच्छी खासे प्राइस में खरीदे हुए तो आने वाले समय में आपको सभी गाने और टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है पीवीआर पिक्चर्स पेन मरुदकर होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट तो काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फिल्म को कितनी बड़ी स्क्रीन मिलने वाली है कितनी सारी स्क्रीनस मिलेगी और ये एक अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ज़रूर लेगी शायद हो सकता है कि इस फिल्म की ओपनिंग जो ऋतिक रोशन की वॉर फिल्म आई थी उससे भी ज़्यादा हो सकती है भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन ऋतिक रोशन का फैन बेस जिन्होंने विक्रम वेदा ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है उनके लिए ये एक काफ़ी फ्रेश और अच्छी खासी स्टोरी के साथ आने वाली बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है तो उनको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी अब बात ये है कि मेकरस तो वही है पुस्कर गए थे जिन्होंने ओरिजिनल बनाया हुआ था अगर उन्होंने फिल्म में कुछ चेंजेस किए वो सही जाते तो पता लगे अगर वो थोड़े अगेंस्ट गए तो फ्लॉप होने के चांसेस है फिल्म के अदरवाइज अगर सेम टू सेम बनाया हुआ है अगर लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है रीमेक ओरिजिनल के बीच में नहीं पढ़ते और कंटेंट देखने जाते भले ऋतिक रोशन शेफ अली खान के फैन हो या फिर न्यूट्रल ऑडियंस हो जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो उनको ये फिल्म जरूर पसंद आने वाली क्योंकि मैंने टीजर ट्रेलर देखा है वहां तक अंदाजा लग रहा है कि जो सेट डिज़ाइन वहाँ पे किए गए थे सेम सेट डिज़ाइन यहीं पे यूज़ किए हुए वैसे ही क्रिएट किए हुए हैं लोकेशन भी लगभग लगभग सेम है सिर्फ जो नेटिविटी है तमिल नेटिविटी के हिसाब से कहानी को डेवलप किया हुआ था इधर ये इन सभी चीज़ों को यूपी बिहार इस एरिया के साइड दिखाया हुआ है तो जिस वजह से थोड़ी नेटिविटी में चेंज होगा तो थोड़ी स्लेंग में चेंज होगा तो वो सभी चीज़ें माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे बाकी जो एक्चुअल स्टोरी है वो सेम है तो जिसकी बदौलत ये फिल्म आपको अगर नहीं देखी हुई ओरिजिनल वजन तो जरूर कनेक्ट करने वाली है अब डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म को मार्च 2018 में पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया हुआ था कि वो इस रिमेक को डायरेक्ट करने वाले थे ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके थे जहाँ पे कुछ करार के थ्रू सोल्ड आउट किए गए थे जहाँ पे वाइनो स्टूडियो जो ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस है तमिल वर्जन का उन्होंने कहा था कि वो इस फिल्म में भी पे शेयर लगाएंगे और इक्वल शेयर करेंगे वहीं दूसरे को प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे फ्राइडे फिल्म वर्क टी सीरीज फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट वो सभी लोग मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे जहाँ पे फिल्म का बजट पौने दो करोड़ तक पहुँच गया था नीरज पांडे इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर है वहीं पे पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया कि इस फिल्म की रीमेक है वो और भी ग्रीटी टोन के साथ हम आपको दिखाने वाले जो ओरिजिनल में आपको जितना भी ग्रीटी मैनर देखने को मिला है उससे कहीं ज़्यादा हम इस फिल्म में आपको ऐड करके दिखाएंगे तो थोड़े चेंजेस आप ज़रूर एक्सपेक्ट कीजिएगा बाकी कोर पॉइंट है वो सेम रहेगा ओरिजिनल मटीरियल है जो लिखा हुआ है उसमें ज़्यादातर हम चेंजेस करने नहीं वाले तो वही सब चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी लेकिन जो ऐसे पॉइंट है जिसको हम थोड़ा बेटर वे में कर सकते तो वो हम ज़रूर चेंज करके आपको दिखाने वाले तो आपने जो बेताल पच्ची सी देखी होगी या विक्रम बेताल की जो कहानी देखी होगी उसी फोकटेल को थोड़ा इंटरेस्टिंग मैनर में मॉडर्न टाइम के साथ उन्होंने इस फिल्म के कहानी में दिखाया हुआ है जो अभी तक हिंदी सिनेमा में आपको देखने को नहीं मिला है वैसे डब्ड वर्जन आपने अगर देखा है विक्रम बेता का तो बात अलग है अदरवाइज हिंदी सिनेमा में इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा था कि शाहरुख खान को इस फिल्म में वेदा का रोल अप्रोच किया गया था लेकिन बाद में कंफर्म किया गया है कि सैफ अली खान और आमिर खान इस किरदार को प्ले करेंगे जहाँ पे सैफ अली खान विक्रम का रोल प्ले कर रहे जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है वहीं पे वेदा एक गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाले गैंगस्टर वेदा का रोल है वो आमिर खान प्ले करेंगे लेकिन सैफ अली खान का जो विक्रम के लिए जो तो उनको सरताज सिंह कर का जो किरदार प्ले किया हुआ था उन्होंने सेक्रेट गेम्स में तो वहीं से उनको चूज़ किया गया था अदरवाइज पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म में चाह था कि आर माधवनी वो रोल अपना रोल रिप्लेस करे लेकिन उनकी रोक्रेटरी द नंबी इफेक्ट वाली फिल्म है उसके साथ उस फिल्म का कनेक्शन हो रहा था तो उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसकी बदौलत दोनों चीजें मैच हो रही थी डेट नहीं सेम डेट सेम हो रही थी जिसकी वजह से आर माधवन ने वो फिल्म करने से मना कर दी उसके बाद सैफ अली खान को रोल दिया गया वहीं पे आमिर खान को पहले लेने वाले थे दिसंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई तब पता चला कि ऋतिक रोशन ने उसका मेन रीज़न ऐसा बताया जा रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट के लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस डायरेक्टर और एक्टर के बीच में हुए जिसकी वजह से ऋतिक रोशन ने इस रोल को निभाने के लिए हाँ कर दिया जहाँ पे बाद में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की पेर कंफर्म की गई ना तुम जानो ना हम करके 2002 की फिल्म आई थी उसके बाद ये सेकंड टाइम वो कोलोबरेशन करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे वेदा कानपुर का एक किरदार दिखाया हुआ है तो जहाँ पे वो अवधि एक्शन स्पीक कर स्पीक करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में जुलाई राधिका जुलाई में आधाधिकापटे को साइन कर लिया गया जहाँ पे वो विक्रम की लोअर की वाइफ का और विक्रम के विक्रम की लॉयर की वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे लॉयर वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे रोहित सर आपको इस फिल्म में वेदा के भाई के लिए साइन किया गया था उसी मंथ में उसके बाद में नवंबर 2021 में सारी बात में उन्हें कन्फर्म किया कि वो बबलू का रोल प्ले करेंगे मार्च 2022 में योगिता बिहानी ने चूज किया कि वो एक चंदा के रोल में उनको चूज किया गया था तो इस तरह से कास्टिंग की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की फरवरी दो में स्टार्ट की गई थी जहाँ पर पहले बताया गया था कि इस फिल्म में आमिर खान देखने को मिलेंगे कास्ट उसके बाद में तो ऋतिक रोशन जून दो जून इक्कीस में रिप्लेस कर लिया बाद में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी पंद्रह अक्टूबर से उसी साल बाद में फिल्म की कहानी को जो भले ही कानपुर का और का उस एरिया का दिखाया हुआ लेकिन वो पूरे सेट को यू कि अबूधाबी में क्रिएट किया हुआ था और वहीं से फिल्म की ओरिजिनल शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहाँ पे टाइगर जिंदा का जो सेट वहाँ पे लगाया हुआ था उसी सेट को थोड़ा रिकन्स्ट्रक करके वहाँ पे लखनऊ और कानपुर का एक सेट क्रिएट करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी थोड़ा बहुत जो खर्चा आपको देखने को मिल रहा है पौने दो करोड़ का बजट वो उसी चीज़ की वजह से इस फिल्म का स्केल है वो काफ़ी बड़े लेवल पर क्रिएट किया हुआ जो है जो ओरिजिनल वर्जन है उसके मुकाबले तो इस वजह से थोड़ा खर्चा और बढ़ा हुआ था अबू धाबी में उस शेड्यूल को करीबन सत्ताईस से तीस दिन शूट किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म को लखनऊ में भी थोड़े दिन ले जाया गया था वहाँ पे भी कुछ सीन्स को कुछ पोर्संस को शूट किया हुआ था सैफ अली खान ने अपने पोर्संस को उसी मन जब दिसंबर के महीने में 2021 में फिल्म की आखिरी शूटिंग चल रही थी लखनऊ में वहाँ पे उनका पोर्सन उन्होंने कंप्लीट किया हुआ था राधिका आप्टे को करीबन दस दिन का शेड्यूल था उनके पास तो उन्होंने छब्बीस अप्रैल दो में अपना शेड्यूल कम्पलीट किया हुआ था पूरी फिल्म को करीबन दस जून दो हज़ार बाईस को रेपअप किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी ने क्रिएट किया हुआ है ओरिजिनल में तो सेम सी ने सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर दोनों क्रिएट किया हुआ था और दोनों अव्वल दर्जे के निकले हुए थे जो टॉप टोपनोज का बी था वो फिल्म को और बेहतर बना रहा था जिस वजह से मेकर्स ने फैसला लिया कि इस फिल्म का बी चेंज नहीं करेंगे जरूर गाने हिंदी नेटिविटी के हिसाब से चेंज किए जाएंगे लेकिन बी सेम रहने वाला है जिस वजह से टीजर ट्रेलर में जो आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनने को मिल रहा है वो ओरिजिनल वर्जन से सेम टू सेम रखा हुआ है इसके अलावा

हिंदी फिल्मों के लिए उसके बाद में फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया उसको काफ़ी ज्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला और फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और एक रीमेक फिल्म होने के बावजूद फिल्म का जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के आया तब मेरा को अंदाजा लग गया कि ये फिल्म कितनी और बड़ी होने वाली है अब ये फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है जहाँ पे विक्रम वेधा को 30 सितंबर 2022 को रिलीज़ करने का फैसला लिया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब देखने वाली बात ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जो तमिल का रीमेक है वो पता है तमिल में चल गई थी डब्ड वर्जन भी अच्छा खासा चला था लेकिन जो थिएटर ऑडियंस है वो इस फिल्म को कितना एक्सेप्ट करती है पुष्कर गायत्री ने क्या क्या चेंजेस किए हुए वो चेंजेस किस वे में जाते हैं वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फ़िल्म कितना लंबा रन लेगी उसके अलावा ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की जो एक्टिंग है वो आर माधवन और साथ ही में विजय सेतुपति तो जो ओरिजिनल वर्जन है उसके मुकाबले कहाँ तक जाके पहुँचती है या अपना अलग अप्रोच रहता है वो अप्रोच कैसा होता है वो सभी चीज़ें अलग अलग फैक्टर फिल्म के लिए इफेक्ट कर सकते हैं बेटर वे में या तो नेगेटिव वे में अब ये सभी चीज़ें पता चलेगी फिल्म रिलीज होगी तब अब फिल्म 30 सितंबर 2022 को फिक्स की गई है तो अब देखने वाली बात ये है कि उस दिन तो वैसे ही बड़ी ओपनिंग मिलेगी ऋतिक रोशन और सैफ अली खान जैसे बड़े एक्टर अगर एक फिल्म में होंगे तो फिल्म आसानी से करीबन पचास करोड़ के आसपास की ओपनिंग तो लेने ही वाली है तो अब देखने वाली बात ये है कि उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कितना बड़ा और बढ़िया मिलता है उसके बाद में वो सभी चीज़ें कितने बड़े लेवल पर कन्वर्ट होती है तभी पता चलेगा कि फिल्म किस लेवल पे कितनी बड़ी हिट होगी और अगर ये फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये लंबी रेस का घोड़ा निकलेगी फिल्म लंबी रन लेगी लंबा रन लेने के बाद ये फिल्म आसानी से पौने दो सौ करोड़ के बजट में बनी हुई है उसके सामने चार सौ पाँच सौ करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात यह है कि जिसने जितने भी मैंने पॉइंट बताए उस पॉइंट में ये फिल्म कितनी खरी उतरती है अब हम बात करें इस फिल्म के ओ -टी -टी और सेटेलाइट के ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ -टी -टी और सेटेलाइट राइट्स से, है वो वाइकॉम एटीन स्टूडियो ने ही खरीदे हुए जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स है वो ट, वोट सिलेक के पास है वहीं पर इस फिल्म के जो सेटेलाइट राइट्स है वो कल्लस सिनेप्लेक्स के पास है जो दोनों प्लेटफॉर्म है वो ऑन करता है वाइकोमेटिन स्टूडियो तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रिलीज के दो ढाई महीने के बाद वुड सिलेक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर या ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन विक्रम वेदा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न वर्जन है वो थिएट्रिकल रिलीज़ के लंबे समय के बाद टेलीविज़न चैनल कलर सिनेप्लेक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में विक्रम वेदा के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा इसके अलावा ये फिल्म तमिल फिल्म का रीमेक है जहाँ पे तमिल में भी इस फिल्म को विक्रम वेदा ही नाम दिया गया था तो नाम सेम रखा हुआ है तो तमिल वर्जन है जो विक्रम वेदा उसका हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमाइस वालों ने

वहीं पे जो टेलीविजन वर्जन है वो कलर सीनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा जहां पे वो थिएट्रिकल रिलीज के काफी लंबे समय के बाद करीबन पांच सात महीनों के बाद देखने को मिलने वाला है जब वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से हिंदी वर्जन इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे जो तमिल वर्जन है उसका जो डब्ड वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में हिंदी डब्ड वर्जन में डबिंग अच्छी है उसे भी आप इन्जॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का ओरिजिनल और रिमेक दोनों वर्जन आप कहाँ पे कैसे देख सकते हो तो उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी विक्रम वेदा जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म का जो ओरिजिनल आइडिया है वो पुष्कर गायत्री का ही था क्योंकि जो तमिल वर्जन है जिसका ये रीमेक बना हुआ है वो भी पुष्कर गायत्री ने ही लिखा हुआ था और डायरेक्ट किया हुआ था जहाँ पे डायलॉग थे वो के मणिकंदन के थे अदरवाइज विक्रम वेदा फिल्म को 2017 में तमिल लैंग्वेज में न्यू न्यूर एक्शन थ्रिलर के तौर पर ही रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में थे माधवन विजय सेतुपति श्रद्धा श्रीनाथ और काथिर वारा लक्ष्मी शरद कुमार तो इतने चार पांच एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस फिल्म में लीड किरदार परफॉर्म किए हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के सभी कैरेक्टर को काफ़ी सराहना मिली थी फिल्म के डायरेक्शन को सिनेमेटोग्राफी बीजीएम तो काफ़ी अव्वल दर्जे की है जिसको री भी किया हुआ है अभी रीमेक में तो ये सभी चीज़ें फिल्म की काफ़ी बेहतरीन थी से एम सी एस का जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक था वो फिल्म को चार चांद लगा रहा था परफॉर्मेंसेस काफ़ी सॉलिड थी विजय सेतुपति की परफॉर्मेंसेस को काफ़ी सराहना मिली हुई थी उसके बाद से उनको हिंदी ऑडियंस की तरफ से भी काफ़ी पहचान मिली हुई थी क्योंकि जो तमिल वर्जन है वो ऑलरेडी हिंदी डब्ड वर्जन में काफ़ी समय पहले से ही अवेलेबल है जहाँ पर पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म के साथ एक बड़ी हिट फिल्म दी हुई थी कल्ट क्लासिक न्यू एक्शन थ्रिलर फिल्म डिलीवर की हुई थी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते ग्यारह करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने करीबन बॉक्स ऑफिस पे तमिल लैंग्वेज में साठ से सत्तर करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदल फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी उसके बाद फिल्म का जो तेलुगू तमसोरी तमिल वर्जन है उसको जी फाइव के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन को यूट्यूब पे गोल्ड माइंस के चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था और डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इस फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को भी अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से विक्रम वेदा फिल्म को आप सभी अलग अलग वर्जन के तमिल वर्जन को इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात करें इस दो की विक्रम वेदा के बारे में तो इस फिल्म को भी लिखा हुआ है पुष्कर गायत्री ने डिरेक्ट किया पुष्कर गायत्री ने स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग उनकी थी डायलॉग्स जरूर दूसरों ने लिखे हुए अदरवाइज बाकी सभी चीज़ें उनकी देखने को मिलेगी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस शशिकांत चक्रवर्ती रामचंद्र विवेक अग्रवाल पुसन कुमार तो ये टोटल पाँच प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को वाइनो स्टूडियो फ्राइडे फिल्म वर्कस रिलायंस एंटरटेनमेंट टी सीरीज़ फिल्म और जियो स्टूडियो के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पर इस फिल्म का बजट करीबन पौने दो सौ करोड़ है तो जो ओरिजिनल फिल्म बनी थी वो ग्यारह करोड़ की थी उसके सामने इस फिल्म को पौने दो सौ करोड़ में सेम कहानी को बनाया हुआ है अब देखने वाली बात ये है कि पौने दो सौ करोड़ उन्होंने कहाँ कहाँ लगाए हुए वो रिलीज के बाद पता चलेगा लीड कास्ट की बात करें तो ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे सैफ अली खान राधिका आप्टे रोहित सराफ योगिता बिहानी सारी भाषमी और सत्यदीप मिश्रा भी देखने को मिलेंगे जहां पर ऋतिक रोशन ने वेधा का रोल प्ले किया हुआ है सैफ अली खान ने विक्रम का रोल प्ले किया हुआ है राधिका आप्टे आपको विक्रम के वाइफ के रोल में दिखाई देंगे रोहित सराफ ने वेधा के भाई का रोल प्ले किया हुआ है योगिता बिहानी ने चंदा का रोल प्ले किया हुआ है सारी भाषमी ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है तो ये सभी किरदार है जो इंपॉर्टेंट किरदार है फिल्म के ये एक्टर्स ने प्ले किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म की कहानी एक गैंगस्टर और एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों के बीच के जो कुछ क्वेश्चन आंसर है एक तरह से विक्रम बेताल में किस तरह से आपने देखा था कि बेताल विक्रम को एक पजल दे देता दे है एक क्वेश्चन दे देता दे है बाद में उसको वो सोल्व करता है बस कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट लेके इस फिल्म की कहानी को मॉडर्न डे में सेट किया हुआ है जहाँ पे विक्रम एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है इसके अलावा वेदा है वो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है तो अब इन दोनों को किस तरह से एक फ्रेम में दिखाया है उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के सामने क्यों आते उसके पीछे क्या रीज़न है वो सभी चीज़ों में फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है फिल्म का सस्पेंस है वो जिस तरह से डेवलप किया हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने वाली है क्योंकि मैंने ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है तो ये फिल्म का बेस पॉइंट तो सेम ही रहने वाला है थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे क्लाइमेक्स में या दूसरी जगह तो वो बात अलग है अदरवाइज़ मैंने कहा ठीक उसी तरह फिल्म की कहानी चलेगी इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी पी एस विनोद ने की हुई एडिटिंग रिचर्ड केविन ए ने की हुई म्यूजिक में बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो सैम सी एस का है जो ओरिजिनल फिल्म में बीजेएम दिया हुआ है वही बीजेम इसमें यूज़ किया हुआ है तो से सी एस को ही क्रेडिट दी गई है वहीं पे जो सॉन्ग्स है वो विशाल शेखर के सुनने को मिलेंगे अभी तक सॉन्ग्स प्रॉपर वे में आउट नहीं किए गए लेकिन आने वाले समय में ये सॉन्ग्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे जिसके राइट्स टी सीरीज के पास है म्यूज़िक के तो उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे के राइट्स रखे हुए वैसे तो वो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी है फिल्म के और उन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए हैं तो आने वाले समय में आपको सभी गाने और टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है पीवीआर पिक्चर्स पेन मरुदकर होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट तो काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फिल्म को कितनी बड़ी स्क्रीन मिलने वाली है कितनी सारी स्क्रीनस मिलेगी और ये एक अच्छी खासी बड़ी ओपनिंग ज़रूर लेगी शायद हो सकता है कि इस फिल्म की ओपनिंग जो ऋतिक रोशन की वॉर फिल्म आई थी उससे भी ज़्यादा हो सकती है भले ही रीमेक फिल्म हो लेकिन ऋतिक रोशन का फैन बेस जिन्होंने विक्रम वेदा ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है उनके लिए ये एक काफ़ी फ्रेश और अच्छी खासी स्टोरी के साथ आने वाली बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है तो उनको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी अब बात ये है कि मेकरस तो वही ये पुष्कर गाए थे जिन्होंने बनाया हुआ था। अगर उन्होंने फिल्म में कुछ वो जाते तो अगर लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है रीमेक ओरिजिनल के बीच में नहीं पढ़ते और कंटेंट देखने जाते भले ऋतिक रोशन से फली खान के फैन हो या फिर न्यूट्रल ऑडियंस हो जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है, तो उनको ये फिल्म जरूर पसंद आने वाली क्योंकि मैंने टीजर ट्रेलर देखा है वहां तक अंदाजा लग रहा है कि जो सेट डिज़ाइन वहाँ पे किए गए थे सेम सेट डिज़ाइन यहीं पे यूज़ किए हुए हैं वैसे ही क्रिएट किए हुए हैं लोकेशन भी लगभग लगभग सेम है सिर्फ जो नेटिविटी है तमिल नेटिविटी के हिसाब से कहानी को डेवलप किया हुआ था इधर ये इन सभी चीज़ों को यूपी बिहार इस एरिया के साइड दिखाया हुआ है तो जिस वजह से थोड़ी नेटिविटी में चेंज होगा तो थोड़ी स्लेंग में चेंज होगा तो वो सभी चीज़ें माइन चेंजेस देखने को मिलेंगे बाकी जो एक्चुअल स्टोरी है वो सेम है तो जिसके बदौलत ये फिल्म आपको अगर नहीं देखी तो जरूर कनेक्ट करने वाली है अब डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म को मार्च 2018 में पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया हुआ था कि वो इस रिमेक को डायरेक्ट करने वाले थे रिमेक राइट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके थे जहाँ पे कुछ करार के थ्रू सोल्ड आउट किए गए थे जहा पे वाइनो स्टूडियो जो ओरिजिनल प्रोडक्शन हाउस है तमिल वर्जन का उन्होंने कहा था कि वो इस फिल्म में भी पैसे लगाएंगे और इक्वल शेयर करेंगे वहीं दूसरे को प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए थे फ्राइडे फिल्म वर्क टी सीरीज फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट वो सभी लोग मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे जहाँ पे फिल्म का बजट पौने दो सौ करोड़ तक पहुँच गया था नीरज पांडे इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर है वहीं पे पुष्कर गायत्री ने कंफर्म किया कि इस फिल्म की रीमेक है वो और भी ग्रीटी टोन के साथ हम आपको दिखाने वाले जो ओरिजिनल में आपको जितना भी ग्रीटी मैनर देखने को मिला है उससे कहीं ज़्यादा हम इस फिल्म में आपको ऐड करके दिखाएंगे तो थोड़े चेंजेस आप जरूर एक्सपेक्ट कीजिएगा बाकी कोर पॉइंट है वो सेम रहेगा ओरिजिनल मटीरियल है जो लिखा हुआ है उसमें ज़्यादातर हम चेंजेस करने नहीं वाले तो वही सब चीज़ें आपको जरूर देखने को मिलेगी लेकिन जो ऐसे पॉइंट है जिसको हम थोड़ा बेटर वे में कर सकते हैं तो वो हम जरूर चेंज करके आपको दिखाने वाले तो आपने जो बेताल पच्ची सी देखी होगी या विक्रम बेताल की जो कहानी देखी होगी उसी फोकटेल को थोड़ा इंटरेस्टिंग मैनर में मॉडर्न टाइम के साथ उन्होंने इस फिल्म की कहानी में दिखाया हुआ है जो अभी तक हिंदी सिनेमा में आपको देखने को नहीं मिला है वैसे डब्ड वर्जन आपने अगर देखा है विक्रम वेदा का तो बात अलग है अदरवाइज हिंदी सिनेमा मिस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो बताया जा रहा था कि शाहरुख खान को इस फिल्म में वेदा का रोल अप्रोच किया गया था लेकिन बाद में कंफर्म किया गया है कि सैफ अली खान और आमिर खान इस किरदार को प्ले करेंगे जहाँ पे सैफ अली खान विक्रम का रोल प्ले कर रहे जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है वहीं पे वेदा एक गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाले गैंगस्टर वेदा का रोल है वो आमिर खान प्ले करेंगे लेकिन सैफ अली खान का जो विक्रम के लिए जो तो उनको सरताज सिंह कर का जो एक किरदार प्ले किया हुआ था उन्होंने सेक्रेट गेम्स में तो वहीं से उनको चूज किया गया था अदरवाइज पुष्कर गायत्री ने इस फिल्म में चाह था कि आर माधवनी वो रोल अपना रोल रिप्राइज करे लेकिन उनके रोक्रेटरी द नंबी इफेक्ट वाली फिल्म है उसके साथ उस फिल्म का कनेक्शन हो रहा था तो उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसकी बदौलत दोनों चीजें मैच हो रही थी डेट नहीं सेम डेट सेम हो रही थी जिसकी वजह से आर माधवन ने वो फिल्म करने से मना कर दी उसके बाद सैफ अली खान को रोल दिया गया वहीं पे आमिर खान को पहले लेने वाले थे दिसंबर 2020 में जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई तब पता चला कि ऋतिक रोशन ने उसका मेन रीज़न ऐसा बताया जा रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट के लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस डायरेक्टर और एक्टर के बीच में हुए जिसकी वजह से ऋतिक रोशन ने इस रोल को निभाने के लिए हाँ कर दिया जहाँ पे बाद में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की पेयर कंफर्म किए की गई ना तुम जानो ना हम करके 2002 की फिल्म आई थी उसके बाद ये सेकंड टाइम वो कोलोब्रेशन करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे वेदा कानपुर का एक किरदार दिखाया हुआ है तो जहाँ पे वो अवधि एक्शन स्पीक कर स्पीक करते हुए नजर आएंगे उसके बाद में जुलाई राधिका जुलाई में आजाधिका आप्टे को साइन कर लिया गया जहाँ पे वो विक्रम की लोअर की वाइफ कर विक्रम के विक्रम की लॉयर की वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे लॉयर वाइफ का रोल प्ले करेंगे वहीं पे रोहित सर आपको इस फिल्म में वेदा के भाई के लिए साइन किया गया था उसी मंथ में उसके बाद में नवंबर 2021 में सारी बात ने कंफर्म किया कि वो बबलू का रोल प्ले करेंगे मार्च 2022 में योगिता बिहानी ने चूज़ किया कि वो एक चंदा के रोल में उनको चूज़ किया गया था तो इस तरह से कास्टिंग की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो फिल्म की फरवरी दो में स्टार्ट की गई थी जहाँ पर पहले बताया गया था कि इस फिल्म में आमिर खान देखने को मिलेंगे कास्ट उसके बाद में तो ऋतिक रोशन ने उनको जून दो में रिप्लेस कर लिया बाद में फिल्म की की शूटिंग स्टार्ट गई थी अक्टूबर से उसी साल बाद में फिल्म की कहानी को जो भले कानपुर का का और उस एरिया का दिखाया हुआ है लेकिन वो पूरे सेट को में में यानी कि क्रिएट किया हुआ था और वहीं से फिल्म की ओरिजिनल शूटिंग स्टार्ट की गई थी जहां पे टाइगर जिंदा का जो सेट वहां पे लगाया हुआ था उसी सेट को थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करके वहां पे लखनऊ और कानपुर का एक सेट क्रिएट करके शूटिंग स्टार्ट की गई थी थोड़ा बहुत जो खर्चा आपको देखने

आप्टे को करीबन दस दिन का शेड्यूल था उनके पास तो उन्होंने छब्बीस अप्रैल दो में अपना शेड्यूल कंप्लीट किया हुआ था पूरी फिल्म को करीबन दस जून दो को रेपअप किया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो सेम सी ने क्रिएट किया हुआ ओरिजिनल में तो सेम सी ने सॉन्ग और बैकग्राउंड स्कोर दोनों क्रिएट किया हुआ था और दोनों अव्वल दर्जे के निकले हुए थे जो टॉप टोपनोज का बी था वो फिल्म को और बेहतर बना रहा था जिस वजह से मेकर्स ने फैसला लिया कि इस फिल्म का बी चेंज नहीं करेंगे ज़रूर गाने हिंदी नेटिविटी के हिसाब से चेंज किए जाएंगे लेकिन बी सेम रहने वाला है जिस वजह से टीजर ट्रेलर में जो आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनने को मिल रहा है वो ओरिजिनल वर्जन से सेम टू सेम रखा हुआ है इसके अलावा

फिल्मों के लिए उसके बाद में फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया उसको काफी ज़्यादा अमेजिंग मिला और फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और एक रीमेक फिल्म होने के बावजूद फिल्म फिल्म का जिस तरह से पॉजिटिव निकल के आया तब को अंदाजा लग गया कि ये फिल्म कितने और बड़ी होने वाली है अब यह फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है जहाँ पे विक्रम वेधा को तीस सेप्टेंबर दो को रिलीज करने का फैसला लिया गया है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है अब देखने वाली बात यह है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जो तमिल का रीमेक है वो पता है तमिल में चल गई थी डब्ड वर्जन भी अच्छा खासा चला था लेकिन जो थिएटर ऑडियंस है वो इस फिल्म को कितना एक्सेप्ट करती है पुष्कर गायत्री ने क्या क्या चेंजेस किए हुए वो चेंजेस किस वे में जाते हैं वो सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फिल्म कितना लंबा रन लेगी उसके अलावा ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की जो एक्टिंग है वो आर माधवन और साथ ही में विजय सेतुपति तो जो ओरिजिनल वर्जन है उसके मुकाबले कहाँ तक जाके पहुँचती है या अपना अलग अप्रोच रहता है वो अप्रोच कैसा होता है वो सभी चीज़ें अलग अलग फैक्टर फिल्म के लिए इफेक्ट कर सकते हैं बेटर वे में या तो नेगेटिव वे में अब ये सभी चीज़ें पता चलेगी फिल्म रिलीज़ होगी तब अब फिल्म 30 सितंबर 2022 को फिक्स की गई है अब देखने वाली बात ये कि उस दिन तो वैसे ही बड़ी ओपनिंग मिलेगी ऋतिक रोशन और सैफ अली खान जैसे बड़े एक्टर अगर एक फिल्म में होंगे तो फिल्म आसानी से करीबन 50 करोड़ के आसपास की ओपनिंग तो लेने ही वाली है तो अब देखने वाली बात यह है कि उसके बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कितना बड़ा और बढ़िया मिलता है उसके बाद में वो सभी चीज़ें कितने बड़े लेवल पर कन्वर्ट होती है तभी पता चलेगा कि फिल्म किस लेवल पर कितनी बड़ी हिट होगी और अगर ये फिल्म का कंटेंट अच्छा निकला तो ये लंबी रेस का घोड़ा निकलेगी फिल्म लंबी रन लेगी लंबा रन लेने के बाद ये फ़िल्म आसानी से पौने दो सौ करोड़ के बजट में बनी हुई है उसके सामने चार सौ पाँच सौ करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन कर सकती है अब देखने वाली बात ये है कि जिसने

वुड सिलेक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर या ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन विक्रम वेदा नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविजन वर्जन है वो थिएट्रिकल रिलीज के लंबे समय के बाद टेलीविजन चैनल कलर सीनेप्लेक्स के ऊपर बिल्कुल फ्री में विक्रम वेदा के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा इसके अलावा ये फिल्म तमिल फिल्म का रीमेक है जहाँ पे तमिल में भी इस फिल्म को विक्रम वेदा ही नाम दिया गया था तो नाम सेम रखा हुआ है तो तमिल वर्जन है जो विक्रम वेदा उसका हिंदी डब्ड वर्जन है वो गोलमाइस वालों ने की करवाया हुआ था तो वो वर्जन आपको गोल्ड के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा जहां पे उस वर्जन को काफी अच्छी खासी डबिंग की गई है और अच्छे खासे व्यूज भी मिले हुए तो वहां से आप वो वर्जन भी यूज कर सक, सक, सकते हो, उस वर्जन को भी देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि विक्रम वेदा फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म वोट सिलेक्ट के ऊपर देखने को मिलेगा थिएट्रिकल रिलीज के दो ढाई महीने के बाद विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में वहीं पे जो टेलीविज़न वर्जन है वो कलर्स सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा जहां पे वो थिएट्रिकल रिलीज़ के काफ़ी लंबे समय के बाद करीबन पाँच सात महीनों के बाद देखने को मिलने वाला है जो वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से हिंदी वर्जन कर पाओगे वहीं पे जो जो तमिल वर्जन वर्जन है उसका जो वर्जन है उसका वो आपको देखने को मिलेगा गोल माइन के यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश इंग्लिश बिल्कुल फ्री में हिंदी डब्ड वर्जन में डबिंग अच्छी है उसे भी आप इन्जॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म का ओरिजिनल और रीमेक दोनों वर्जन आप कहाँ पे कैसे देख सकते हो उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी तो बस गए इस फिल्म के रिगार्डिंग इतनी ही अपडेट थी ये फिल्म कितना कमा सकती है इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो सकता है प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन फिल्मिंग के ऊपर सभी चीजों के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है बजट के बारे में भी बातचीत कर ली है इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बातचीत की हुई है ओरिजिनल रिमेक के बारे में बातचीत किए हुए कहानी के जो चेंजेस है वो कितने देखने को मिल सकते हैं इस फिल्म में कितने रिकॉर्ड कायम किए हुए यूट्यूब पे टीजर ट्रेलर के रिगार्डिंग उसके बारे में भी बातचीत हो चुकी है टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के बारे में मैंने डिटेलिंग दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू